तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि है ना, आपका जो क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है ना, इससे क्या हो रहा है कि एक ह्यूमन बीइंग एक अच्छे स्वच्छ लाइफ यानी क्लीन एनवायरनमेंट पे नहीं रह पा रहा है। क्योंकि अगर आप दिल्ली में रह रहे होगे तो आपको पता होगा कितना ज़्यादा अभी एयर पॉल्यूशन होगा गर्मी में। तो आप दिल्ली में यकीन कीजिए, आप इतना ज़्यादा आपके आसपास के बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है ना, और सर्दियों में तो बहुत ही बुरा हाल, क्योंकि वैसे भी आपका जो है टेम्परेचर में आपकी वो मॉइस्चर रहता है एनवायरनमेंट में, उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स मिल जाते हैं तो बिल्कुल ही स्मॉग बन जाता है ना। और गर्मी में तो क्या है, एक तो ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, ऊपर से आपकी जो है हीट और जनरेट, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे देखिए हर एक बिल्डिंग आपको कम से कम 4-5 फ्लोर की तो मिलती ही मिलती है, और अब तो बहुत ज़्यादा कई कई बिल्डिंग्स में तो 6 फ्लोर्स के भी बनाए जा रहे हैं, जो कि इलीगल है। और इससे क्या होता है कि एक पूरा विंड ट्रैप हो जाता है, जितना विंड है वो ट्रैप एक खाई जैसा बन जाता है। आप किसी स्टूडेंट एरिया में रह रहे होगे, अगर अगर मैं बात करूँ स्पेशली अगर आप कभी दिल्ली में हो तो आप कभी साउथ कैंपस में आना, जहाँ ड्यू का कॉलेज है उस एरिया में आना आप, वहाँ स्टूडेंट एरिया है, वहाँ भी काफ़ी सारे यूपीएससी के बच्चे रहते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते हैं, उन एरिया के बिल्डिंग्स देखना है ना। अमूमन ये दिल्ली में हर जगह है, उनमें तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे है ना, ये बिल्डिंग है यहाँ पे, ये बिल्डिंग और ऐसी बिल्डिंग, और बीच में कुआं सा बन गया, और यहाँ 6-6 फ्लोर के बिल्डिंग्स हैं, और अंदर ऐसा लगता है कि घुट रहा है मतलब बंदा। तो सेम उसी चीज़ को है ना बताते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये बोला है कि ऐसी लाइफ ना हमारे इंसान की, उसका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14, जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, और उसका जो आर्टिकल 21 है लाइफ एंड लिबर्टी, उसका सीधा सीधा वॉयलेशन है। ठीक है, तो अब देखिए राइट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, दैट मीन्स इसमें फटकार लगाई है गवर्नमेंट को भी। इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उसके रिगार्डिंग हमारे जो चैलेंजेस हैं ग्लोबल चैलेंजेस, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली मार्च में भी इस चीज़ का पिटिशन डाला गया था सुप्रीम कोर्ट पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वर्डिक्ट दिया है, लास्ट सैटरडे को इसके वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। ठीक, इन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जिस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है ना दिन बर दिन, तो उतनी लोगों की जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, स्पेशली अगर आप इंडियंस की बात करोगे। जैसे आए दिन आप कभी फ्लड की बात सुनोगे, या फिर आप जो है आए दिन इंटेंस हीट की बात सुनोगे, रेनफॉल हो गया, या फिर अगर आप जैसे हीट वेव्स, अब गर्मी में जैसे लू चलेगा है ना, अभी हीट वेव से कितने लोगों की डेथ हो जाती है, और अभी जो अभी बेंगलुरु में इशू चल रहा है वाटर स्कैर्सिटी, ये सब क्लाइमेट चेंज का ही रिजल्ट है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें IPCC रिपोर्ट का भी सपोर्ट लिया है, इसमें कहा है कि इन्होंने भी कितनी बार वार्न कर दिया है ग्लोबल को भी, इंडिया को भी, कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है, और दिन बर दिन साल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये इसका रिस्क बढ़ता ही जाएगा, ये कम नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी अगर आप रिसेंटली देखोगे तो कितने सारे ग्लेशियर्स के इंसिडेंट्स देखे जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा एक गोल्फ एक वो इंसिडेंट सुना होगा जिसमें ग्लेशियर फ्लड आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ग्लेशियर है मान लीजिए, इसके बगल में क्या होता है कि एक ना एक खाई सा बन जाता है, इरोड हो गए है ना सी का, तो यहाँ पर ये मेल्ट हो गए, पानी भर जाता है, और अचानक से जब ये टुकड़ा गिर के बर्फ का ये टुकड़ा गिर के नीचे गिरता है ना, तो ये पानी क्या होता है, पूरे जो लैंड सरफेस एरिया है जहाँ लोगों का सेटलमेंट है ना, वहाँ पे जाके ये पानी जब गिर जाता है तो पूरा का पूरा फ्लड आ जाता है। जैसे आपको याद होगा था 2013 में है ना, 2013 में केदारनाथ का जो इंसिडेंट था वो इसी तरह से फ्लड का था, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने का, जैसे लैंडस्लाइड बोलते हैं, एवलांचेस बोलते हैं है ना, इन सारे इंसिडेंट्स की वजह से, ये सारे क्लाइमेट्स की वजह से ही हो रहे हैं। ठीक, इसके साथ साथ जो है इन्होंने का सी लेवल का राइज होना, पुअर एयर क्वालिटी हो गया, और इसके साथ साथ हम ग्रीन लंग्स को लॉस करते जा रहे हैं। ग्रीन लंग्स का मतलब है यहाँ पे ट्रीज एंड प्लांटेशंस की बात हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे इश्यूज़ को रिवाइज करवाया, और ये बोला कि ये क्या है, ये इसलिए नहीं कि पॉलिटिकल, इस साल जो है इलेक्शन ईयर है तो इसीलिए हमें ये याद करना है, हमें नेचुरली इकोलॉजी को भी जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि इकोलॉजी अब ना सिर्फ और सिर्फ अकेडमी में सिविल सोसाइटी या जो एक्टिविस्ट हैं के द्वारा ही इसको बार बार रिमेन करवाया जाता है। ठीक है, ना कि जबकि इसका काम ज्यादा ज्यादा किसका है, गवर्नमेंट का है। ऐसा किसने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर काम करने की जरूरत है, जिन्हें काम करना है वो काम कर ही नहीं रहे हैं। और यहाँ पे राइटर देखिए ये भी बता रहे हैं कि पहली बार ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसे क्लाइमेट चेंज को लेकर या ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो है इंसिडेंस या अपना वर्डिक्ट दिया है। इससे पहले 1987 में MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया था, उसमें भी जो है राइटर ने उसमें भी सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू जो लीव लाइफ है, राइट टू लिव जो है 21 आर्टिकल 21, वो आपका पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट की भी बात करता है, जो राइट टू लाइफ है। अगर आपको लाइफ जीनी है तो भैया हर बंदे का हक है कि उसके इन्वायरमेंट में जो है ना धूल वगैरह ना हो, स्वच्छ हवा हो, अच्छे से वो सांस ले सके, ठीक है। तो इसी चीज़ पे बताते हुए स्पेशली जो है माइनिंग मेजर जो वेदांता वाले जैसे इश्यूज हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि माइनिंग्स कितनी ज़्यादा होती हैं हमारे आसपास के एरियाज़ में। जैसे अगर आपने देखा होगा कि अरावली की जितने दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में, सदर्न एनसीआर वाला रीजन जो है, इसमें अरावली का रेंज जो आपके गुजरात से दिल्ली तक जाता है, ठीक, इसकी रेंज है अब तो यहां से तो आप मान लीजिए बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गई है दिल्ली के आसपास वाले में, क्योंकि इन सब को इरोड करके अरावली को यहां बिल्डिंग्स बना दिया गया है और इसका पोल्यूशन सीधा सीधा दिल्ली में हिट करता है ना। तो इन जैसे इश्यूज़ को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बात याद दिलाई है और ये भी बोला है कि देखिए अभी जो है हमारे राइट टू लाइफ के अंदर जो है अनपोल्यूटेड एयर का होना, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर होना, ठीक है, और इसके अलावा एक हेल्दी लाइफ जीना एक इंसान की राइट है जिसको हमने खत्म कर रहे हैं और खत्म करते ही जा रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से ह्यूमन के राइट्स और ग्लोबल वार्मिंग, जैसे क्लाइमेट और ह्यूमन के राइट्स ना, ये दोनों ही आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और ये भी बात बोली है कि विदाउट क्लीन एनवायरनमेंट के ना आप किसी भी तरह का जो है क्लाइमेट चेंज से होने वाली चीज़ों को नहीं रोक सकते, आप कुछ डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। और राइट टू लाइफ के अंदर जो है पर्सन, अब जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसी चीज़ें हो रही हैं, या टेम्परेचर बढ़ रहा है, ड्रॉट हो रहा है, क्रॉप फेलियर्स हो रहे हैं, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस का रीज़न क्या है, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसान की जो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। और आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करना किसी के भी हाथ में नहीं है, है ना। और गवर्नमेंट ने देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही फटकार लगाई है कि गवर्नमेंट ने अभी तक जो है कुछ भी प्रॉपर काम नहीं किया है, स्पेशली इकोलॉजी जो कि ह्यूमन की एक डिग्निटी है, है ना। और जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वही एक बहुत बड़ा क्लासिक एग्जांपल है, जिसके बीच में इतने सारे ज्यूरिडिक्शन वर्डिक्ट के बाद भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी पॉलिसी सीरियस एक्शंस नहीं लिए गए हैं, ठीक। इसके अलावा इन्होंने बोला कि इन्वायरमेंट के इश्यूज जैसे आपका एयर हो गया, वाटर क्वालिटी हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है तभी अटेंशन दी जाती है जब इमरजेंसी केस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस है, अब आपको पता होगा कितना ज़्यादा आईटी की एक हब है बेंगलुरु हमारा, तो वहाँ पे इशू क्रिएट हो गया, तो तब जाके आपके आर्टिकल्स दिन बर दिन छपते जा रहे हैं। अब इसके बाद मामला शांत हो जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा, वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो ये मामला ठंडा हो जाएगा, क्या बेंगलुरु क्या वाटर स्ट्रेस सब भूल जाएंगे, है ना। या फिर अगले साल वापस जब स्ट्रेस होगा तब याद करते हैं। तो सेम यही सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली है कि हम तभी याद करते हैं चीज़ों को जब हमारे सर के ऊपर से चला जाता है, इमरजेंसी होती है, ठीक। और ईयर आफ्टर ईयर जब से ये सारी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल के साथ इंडिया के सिटीज़ टाउन्स में ये इंक्रीज़ होती जा रही है, इवन रूरल एरिया में भी ये जो है फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिल सकता है। तो इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है और क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेने की ज़रूरत है, स्पेशली जो है आपके पॉलिसी के साथ साथ जो है आपका इम्प्लीमेंटेशन है, और इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली है। खैर नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। देखिए इस आर्टिकल में क्या होता है, आपको पता है कि हर तीसरे चौथे साल जो होता है आपका एनसीईआरटी अमेंडमेंट किया जाता है, ठीक है, या रिव्यू होता है, रिवाइज्ड होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ चीज़ें हटती हैं। तो राइटर यहाँ ये बता रहे हैं कि देखिए अभी क्या हो रहा है कि आपका जो हिस्ट्री, सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस है ना, जो स्पेशली 6th to 12th की बुक्स हैं, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें नहीं ऐड की गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपका IVC है, इसमें रिसेंटली कितने सारे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुए हैं, लेकिन वो अभी तक अभी जो है अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि अभी जैसे आपके सोशल मीडिया से लेकर जितने भी चीज़ें जो आपके चेंजेस हुई हैं, क्लाइमेट चेंजेस वगैरह और पॉलिटिकल साइंस में जितने चेंजेस हुई हैं, वो चीज़ें नहीं आपको ऐड ऑन की गई हैं। और इसके अलावा जो है राइटर बता रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, जैसे डिमोलिश ऑफ बाबरी मस्जिद है, कि पॉलिटिकल मोमेंट क्या होता है कंट्रीज़ में, ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती है। देखिए इसका बहुत बड़ा एक रीज़न राइटर बता रहे हैं, क्योंकि ये ना क्या होता है कि एनसीईआरटी के अपडेशन में ना गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा रहता है। जो भी गवर्नमेंट है ना वो हमेशा एनसीईआरटी, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी बुक्स क्या होता है कि हम खुद जैसे यूपीएससी जैसे हायर लेवल के एग्ज़ाम जो है लास्ट सॉर्ट किसको मानते हैं, एनसीईआरटी को ही मानते हैं। अब सोचिए उन जैसे एग्ज़ाम्स में गवर्नमेंट अपने प्रो के हिसाब से देखती है, अपनी से अगेंस्ट चीज़ों को ये हटा देती है, ठीक है, ऐसा राइटर बता रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल राइटर ने यहाँ चीज़ें बताई है, जैसे महात्मा गांधी का असेसिनेशन था इमरजेंसी, गुजरात रॉयड पे 2002 पे जो दंगे हुए थे, उनसे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें जो कोर चीज़ें उनको हटा दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो है
राइटर यहाँ बता रहे हैं कि जो मेनली आइडियोलॉजिकल का फाइट होता है ना, देखिए पॉलिटिकली जो जो सोशल सोशल साइंस है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, आपका है आइडियोलॉजी कि लेफ्ट विंग कौन है, राइट विंग कौन है, कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म क्या कहता है, सोशलिज्म क्या कहता है, इन्हीं चीज़ों पर फाइट होती है, ठीक है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं आप दबाने की कोशिश करते हो, ऐसा राइटर कह रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल सोशोलॉजी की क्लास 12th बुक में ना एक चैप्टर था माइनिंग पे, ठीक है। अब उसमें ये लिखा हुआ था कि जैसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट डैम प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो ट्राइबल के लोगों के लिए बहुत बड़ा हार्मफुल है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को उस लाइन को ही हटा दिया, राइटर बता रहे हैं उस लाइन को यहाँ हटा दिया गया है। और सेम ऐसे जो स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर जो कास्ट का होता है, पॉवर्टी का, पावरलेस का, इन सब चीज़ों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा साइडलाइन किया गया है, ठीक है। तो राइटर यही बता रहे हैं कि हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, आइडियोलॉजी का फाइट हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी ये बताती है कि ये आइडियोलॉजी का अगेंस्ट होने के बावजूद भी आपको जो है सोसाइटी में बच्चों को बताना चाहिए कि कितने वेरिएशंस हैं, कितनी डाइवर्सिटी है आपके लोगों के बीच में, है ना। तो यही चीज़ है, सिंपली है। बाकी एक बार आप एनसीईआरटी के उसके बारे में पढ़ लेना क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पे राइटर ना एक अनिल कुमार करके स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो कि यूपी से थे, बांडा डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने अभी 21 ईयर के ही थे, इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है लास्ट ईयर सितंबर में। ये आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे थे, ठीक है। और सुसाइड अटेम्प्ट सेलेक्ट स्टूडेंट है आईआईटी के भी, मतलब वहाँ एजुकेशन ले रहे थे, लेकिन वहाँ की जो अकेडमी का प्रेशर है ना, उसके वजह से इन्होंने जो है अपना कहीं ना कहीं सुसाइड अटेम्प्ट किया है, ऐसा राइटर बता रहे हैं, ठीक है। और राइटर ये चीज़ बता रहे हैं कि इसके लिए जो है अभी अगर आप देखिए, इसका मेनली रीज़न एकेडमिक प्रेशर को ही बताया जा रहा है। और आईआईटी दिल्ली ने इसके लिए एक एक्शन उठाया, एकेडमिक प्रोग्रेस ग्रुप करके APG बनाया है। और इससे क्या होगा कि इससे वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे रूबरू होने का एक मौका है, वो किस तरह का बिहेव फील कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें उन्हें चाहिए, उसके बारे में जो है ये बात हो रही है। और राइटर बता रहे हैं कि इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत इन्होंने APG की इन्फॉर्मेशन निकलवाई। तो एकेडमिक प्रोग्रेस ग्रुप के बारे में तो एक डेटा निकल के आया कि अभी ना आईआईटी के अंदर 192 स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशली आईआईटी दिल्ली के अंदर है ना, 192 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एकेडमिकली ड्रिफ्ट माना गया है। दैट मीन्स ये बहुत लो होते जा रहे हैं अकेडमिक में ड्यू टू द रीज़न ऑफ प्रेशर। और उन स्टूडेंट्स को है ना, उन स्टूडेंट्स को इस अकेडमिक प्रेशर ग्रुप ने क्या किया, आइडेंटिफाई करके उन बच्चों को अपनी फैमिली के साथ कैंपस में रहने के लिए अलाउ किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या होता है, जैसे बच्चा 20-22 साल का हो, 20 का हो, 21 का हो, प्रेशर फीस करता है, स्पेशली उस एनवायरनमेंट में जिसमें होड़ो, आपने 3 इडियट्स मूवी में भी देखा होगा जिस तरीके से वो बताते हैं, जैसे हमारे UPSC में भी हर एग्ज़ाम में भी होड़ है। लेकिन क्या होता है जब फैमिली मेम्बर है या कोई फ्रेंड्स है या कोई अच्छा एक मेंटर आपके साथ होता है ना, तो आप थोड़ा जो है एक पॉजिटिव वाइब फील करते हो, आप उनसे शेयर कर पाते हो चीज़ों को। तो फैमिली, स्पेशली फैमिली या मेंटर या फ्रेंड्स का गाइड बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एकेडमिक एरिया में, है ना। तो इसी चीज़ को जो है इन्होंने शुरू किया है अब। और इन्होंने कहा कि देखिए अभी अगर आप 2024 की भी बात करोगे तो इसी साल में, अभी सोचिए शुरू भी हुआ है, तो 5 स्टूडेंट्स ने अभी तक IIT में सुसाइड कर लिया है, जिसमें 2 तो कानपुर से थे, 1 दिल्ली से, 1 BHU से, 1 रुड़की से थे। और लास्ट ईयर यूनियन मिनिस्ट्री ने, स्टेट ऑफ इलेक्शन एजुकेशन ने, सुभाष सरकार थी, उन्होंने पार्लियामेंट में ये भी बोला कि पिछले 5 साल के अंदर जो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, IIT, NIT, IIIM, IIIT, IIM, IISER जितनी भी हैं, ये टेक्निकली कॉलेज जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें कम से कम 98 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे सालों से इस पर बात की जा रही है कि क्या करना चाहिए, और स्पेशली इसमें जो है फोकस है फैमिली का, ठीक है। ये देखिए तब ज़्यादा होता है, राइटर्स में बता रहे हैं कि जब वो अपने फैमिली के दिए हुए प्रॉमिस को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो वो एक फेलियर का एंडोरेबल मान लेते हैं। देखिए ये है ना, ये नॉट इट्स हैपन विद IITians, इट्स ऑल्सो हैपन विद लाइक हम जैसे UPSC के बच्चे हो गए या आपके नीट के बच्चे हो गए, जो भी इस तरीके से बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस कर रहे हैं उनके साथ ये होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि IIT या इसकी प्रिपरेशन करने वालों की एज और UPSC की अटेंड करने वालों की एज में, जैसे इसकी और इसकी एज थोड़ी कम होती है, UPSC में पर्सन थोड़ा मेच्योर आता है, जैसे ग्रेजुएट करके ही वो एलिजिबल हो पाता है और वो जर्नी में आता है, 22-23 साल में आता है, फिर वो 1 साल की कोचिंग करता है या सेल्फ स्टडी करता है, करते करते अटेम्प्ट देते 1-2 अटेम्प्ट तक, तो 25 साल का हो जाता है, तो उसे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, दुनियादारी पता
पता चलती है, वो मेच्योर इनफ होता है कि सुसाइड इट्स नॉट अ सोल्यूशन। लेकिन वो समझना इन नीट वाले बच्चे या फिर आपके जो आईआईटी वाले जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं उन्हें वो समझ नहीं आती। यही फ़र्क है आईआईटी और यूपीएससी के बच्चों में। वरना सर मैं जितना एक्सपीरियंस में हूँ इस फील्ड में, यूपीएससी कम प्रेशर नहीं है आईआईटी से, क्योंकि यूपीएससी में इतना अनप्रेडिक्टेबल, आप सोचिए खुद, यहाँ पे 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं जिसमें 9,09,099 तो कैंसिल आउट है, 1,000 या 700 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे फाइनल में भी, हर साल का ये रेशो है ना। लेकिन हम बहुत काफ़ी मोर इनफ, इसीलिए शायद इन जैसे हायर कमीशन्स ने एक टैगलाइन लगा रखा है कि बिना ग्रेजुएट का जो है एलिजिबल नहीं है। वरना यूपीएससी बोल देता 12th पास करके आप दे दो या 10th पास करके आप यूपीएससी में बैठ जाओ, है ना। और अभी तो कोचिंग पे भी ये चीज़ लग गई है कि 12th के से कम वाले स्टूडेंट्स को कोचिंग में अलाउ नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और तो इसी पे बात हो रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लोकसभा में लास्ट ईयर इन्होंने ये बात बोली है कि स्पेशली इसमें वो कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा हैं जो एससी एसटी और ओबीसी हैं। तो राइटर भी यही बता रहे हैं कि जिनका बैकग्राउंड भी थोड़ा लो होता है ना, जैसे फाइनेंशियली कई फैमिली ऐसी होती हैं कि लड़की को तो छोड़ दीजिए फीमेल, क्योंकि फ़ीमेल का आईआईटी तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वहाँ अगर 1,000 लड़के भी पढ़ रहे हो ना, तो 1,000 में 200 भी लड़कियाँ हों तो बहुत बड़ी बात है। इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है गर्ल्स को, ये बहुत दुख की बात है हमारे इंडिया में। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़ को मिल जाती है, लेकिन बॉयज़ में भी बहुत, अब सोचो कितने लाखों में बच्चे उसके लिए ट्राई करते हैं और कितने कम बच्चे जाते हैं। और उसमें कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना जिनकी फैमिली का पूरा आस उस बच्चे पे होता है कि हाँ हमारा बेटा पढ़ेगा, जॉब करेगा, उसके बाद हमारी फैमिली की जो कंडीशन है उसको वो इम्प्रूव करेगा। देखिए पेरेंट्स की उम्मीद गलत नहीं है, लेकिन कई बार ये उम्मीद जो है ना, ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस बच्चे पे ओवर प्रेशराइज कर देती हैं, इतना प्रेशराइज कर देती है कि वो सुसाइड के अलावा उसको कोई सोल्यूशन ही नहीं दिखता, है ना। तो इसी पे राइटर बता रहे हैं कि ये चीज़ें और जो हैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं जब बच्चा बैकग्राउंड जो है एस सी एस टी ओ बी सी बैकग्राउंड का होता है, तो क्योंकि डिप्राइड अगर बैकग्राउंड है तो वो और चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे इस पर काम चल रहा है और इस पर अब देखिए धीरे धीरे आईआईटी ने काम करना शुरू किया है। स्टूडेंट्स से इन्होंने मेनली फोकस किया है कि जो इंस्टीट्यूशन पढ़ा रहा है वही जो है उन बच्चों से पहले बात करें कि प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या आप फील क्या करते हो, सबसे मेन चीज़ अकेडमी के टाइम पे फील क्या करते हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनकी जो रूट कॉज है उसको पकड़ सके और उनको उन चीज़ों से निकाल सके। तो आज देख लेते हैं, देखिए आज इस एडिटोरियल पे फर्स्ट पेज पे तो मुझे ये एक ही आर्टिकल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम का दिखा। इसमें क्या है, देखिए इसमें राइटर ये बता रहे हैं कि आपके जो इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे आपको पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इंडिया से है ना, हमारे इंडिया से स्पेशली चाइना हो गया, यूक्रेन हो गया या वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ है वहाँ एमबीबीएस करने जाते हैं। आपने ये स्पेशली न्यूज़ तब ज़्यादा सुना होगा जब हमारा कोविड का टाइम था, पेंडेमिक का टाइम था, तो उस समय वहाँ सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन में, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, है ना, जॉर्जिया में, बहुत सारे बच्चे जो फंस गए थे जो एमबीबीएस कर रहे थे, है ना, उन्हें इंडिया की गवर्नमेंट लेके आई थी अलग से। तो उसी वजह से तो राइटर यहाँ ये बता रहे हैं कि अभी जो डेटा ये बता रहा है कि हमारे आज भी जो है 70% ऑफ एमबीबीएस एस्पिरेंट जो है ना वो बाहर जाते हैं, और वो चीज़ हमारे इंडियंस के लिए काफ़ी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर वो करते हैं एमबीबीएस जो है पढ़ने के लिए, अपना पूरा जो एक्सपेंडिचर है उस पर सोचना चाहिए हमारे इंडियन मेडिकल काउंसिल को, जो मेनली इन एग्ज़ाम्स और इन सारे करिकुलम को कंडक्ट कराती है, तो उस पर है। तो राइटर इसमें यहीं से शुरू कर रहे हैं कि देखिए अभी फरवरी 2022 की बात बता रहे हैं कि कम से कम 18,000 इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो कहाँ से पढ़ रहे थे, यूक्रेन, ठीक है, और वहाँ से उन्हें फोर्स किया गया था, क्योंकि उस समय रशिया और यूक्रेन के वॉर के कॉन्फ्लिक्ट के वजह से 22 फरवरी को बोला गया 18,000 इंडियन स्टूडेंट्स को कि आप अपने घर जाइए क्योंकि यहाँ पे वॉर का सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया के जो एजुकेशन रेगुलेटर्स हैं यानी द नेशनल मेडिकल कमीशन, उन्होंने क्या किया, 4,000 बच्चे वो स्टूडेंट्स थे जिनका फाइनल सेमेस्टर था उस साल 2022 में, सेमेस्टर फाइनल था, तो उनको बोला कि आप जो इंटर्नशिप करोगे वो इस साल आप होम से ही करिए, क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से आप अपने यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसके साथ साथ राइटर ये भी बता रहे हैं कि आज अगर आप इंडिया में देखोगे न्यूज़ रिपोर्टर के अकॉर्डिंग 70% ऑफ एमबीबीएस एस्पिरेंट जो हैं परस्यू कर रहे हैं, वो कहाँ से कर रहे हैं, साइबेरिया
से, किर्गिस्तान से, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया से जो है इंडियन स्टूडेंट्स MBBS को परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में डेफिसिट का काम कर रहा है। देखिए, आपको भी पता है कि भले हम जो है नीट जैसे एग्जाम क्वालिफाई करके हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, वो डॉक्टर MBBS की डिग्री क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद जो है इनकी मास्टर्स होती है या MD जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्पेशलिस्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब इंडिया में ही होती है तो देखिए आपको पता होगा कि हमारी कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है ना। तो उन लोगों के लिए अभी भी हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है और अगर उसमें से 70% लोग बाहर जाके काम करेंगे तो ऑब्वियसली इंडिया में तो वो कंप्लीट करने के बाद नहीं आएंगे जॉब करने के लिए, बाहर पढ़ी इसीलिए रहे कि वो बाहर जाके काम करें। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक डेफिसिट का काम ही करेगा, फॉर्म द डॉक्टर के फॉर्म में भी आप देख लो, रेवेन्यू के फॉर्म में भी, हेल्थ सेक्टर के फॉर्म में भी, हर तरीके से ये नुकसान ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। और अभी रिसेंटली है ना, आपके लास्ट ईयर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी जो है उन्होंने लोकसभा में ये बात बोली थी कि अभी हमारे पिछले 5 साल के अंदर देश में 220 मेडिकल कॉलेज जो है हमने मोर ऐड किए हैं, नए कॉलेज ओपन किए हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा जो है अभी 60% मेडिकल सीट्स जो है वो बढ़ गया है। देखिए, आप ये पूछ सकते हैं कि हमारे इंडिया में 70% से स्टूडेंट्स जो है बाहर क्यों जाते हैं। पहली बात तो रीज़न यही आ जाता है, पहली बात तो ये है कि देखिए नीट जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें कई लाखों, अभी डेटा बताएंगे, इसमें कम से कम 10-20 लाख बच्चे हर साल बैठते हैं, ठीक है, 2 मिलियन जैसे लास्ट ईयर का इसमें डेटा भी बताया है। देखिए नीट के अंदर में क्या है, ये देखिए 2 मिलियन सीट्स किसके लिए, नीट एग्जामिनेशन के लिए था और जिसमें उसकी सीट का जो रेशो है ना वो 20:1 है, यानी 20 स्टूडेंट में से सिर्फ एक का ही एडमिशन होगा। तो सोचिए कहीं ना कहीं लैक ऑफ सीट्स की वजह से ही तो बच्चों का नहीं हो रहा है ना, ठीक है, बच्चों का नहीं हो रहा है तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं, और स्पेशली वो बच्चे जिनके पास थोड़ा मनी है वो क्या करते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो फॉरेन चले जाते हैं, ठीक है। तो एक रीज़न तो ये साफ साफ दिख रहा है। तो इसी वजह से हमारे जो एजुकेशन हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने ये हाईलाइट करा कि हमने अभी जो है मेडिकल कॉलेजेस बढ़ा दिए जिसकी वजह से सीट पहले से बढ़ी है, ठीक। इसके अलावा 2019 की एक रिसर्च स्टडी में ये बताया गया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग ने रिवील करा है कि आपके जो स्पेशली लार्ज सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशली मेडिकल कॉलेज में आते हैं ना, वो आपके या तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, और स्पेशली इनमें से भी रूरल बैकग्राउंड एरिया के बच्चे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और इन्हीं वजह से क्या होता है कि आपका जो नीट का है इसमें जो एस्पिरेशंस हैं और इसके साथ साथ जो नीट में पार्टिसिपेट करने वाले एस्पिरेंट हैं उनका जो अगर पिछले 10 साल के अंदर अगर आप डेटा भी देखोगे ना, जो टेस्ट में इनरोल्ड होते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, 3 गुना बढ़ चुका है पिछले 10 साल में, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है, एक मिनट, हाँ, और इसके साथ साथ जो है अगर आप देखोगे कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है कि कितने ज़्यादा इन्होंने इन चीज़ों को, सीट्स को बढ़ाने के लिए या बच्चों को एग्ज़ाम्स को और क्वालिफाई करने के लिए देखा है, तो वो काफ़ी कम ही हैं क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज आपके प्राइवेट बॉडी से रन होते हैं, ठीक है, जिसमें और गवर्नमेंट जितना रन करता है वो हाफ सीट से ही करता है। दैट मीन्स ये है कि आपको मैं एक बेसिक सा बता दूं कि नीट एग्ज़ाम क्यों दिया जाता है। आप नीट एग्ज़ाम इसलिए देते हो, ये वैसे 2013 में हमारे इंडिया में आया था, लॉन्च हुआ था, ठीक है, उससे पहले कुछ AMTC या समथिंग कुछ करके था पहले एग्ज़ाम नीट से पहले, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन 2013 के बाद मुझे इतना याद है कि 2013 के बाद से ही नीट आने लगा। नीट से क्या होता है कि आप अगर ये क्वालिफाई कर देते तो आपको गवर्नमेंट के कॉलेजेस, वो भी प्रेस्टिजियस कॉलेज, अगर अच्छी रैंक आ जाती है आपकी टोटल टॉप लेवल पे, तो उसमें आपको जैसे एम्स हैं और भी बहुत अच्छे अच्छे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके मेडिकल के लिए जिनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे आपको अच्छा रिक्रूटमेंट मिल जाएगा फॉर द योर बैचलर डिग्री ऑफ MBBS, है ना। तो उसमें क्या है कि अब राइटर यही बताना चाह रहे हैं कि इसमें लेकिन आधे से ज़्यादा कॉलेज जो है प्राइवेट बॉडीज़ के हैं, और यहाँ पे एक दिक्कत क्या आ रही है, आपको पता है हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या रूरल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो प्राइवेट स्कूल्स के या प्राइवेट कोचिंग्स के या इंस्टीट्यूशंस के जो फीस है उसको अफोर्ड कर सके, क्योंकि यहाँ अगर आप फीस देखोगे हर साल कम से कम 30-30, 40-40, 50-50 लाख खर्च होता है इन बच्चों के लिए, है ना, जो चीज़ गवर्नमेंट में बिल्कुल हाफ ऑफ द प्राइस, उससे भी बहुत हाफ होता है, बहुत कम प्राइस में MBBS हो जाता है अगर गवर्नमेंट में आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा कॉम्पिटिशन है इन
इन सेक्टर में, ठीक है। और इन्हीं सेक्टर में कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से जो थोड़े फिनेंशियली स्ट्रांग हैं वो लोग बाहर माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है, बाहर से जाके जो है अपना डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। अब 2020 में नीति आयोग ने एक प्रोग्राम लिंक करा जिसमें ये बोला कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लिंक किया जाए ताकि जितने भी रूरल एरिया में अनसर्व्ड एरिया है वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है अपना सर्विस दे सके, ठीक है, मेडिकल सेक्टर में, है ना। और इसी के साथ साथ जो है अभी देखिए बात करें कि बहुत सारे यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करोगे ना तो वहाँ पे क्या, अगर कोई बच्चा बाहर से MBBS करके आ रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए चाइना से कोई यूरोप का स्टूडेंट है ना, यूरोप का स्टूडेंट है वो चाइना से मेडिकल करके आ रहा है और वो वापस यूरोप आ गया, तो क्या उसे सीधा जो है प्रैक्टिस में जो है उतार दिया जाता है, उसे जो है बाकी चीज़ें जो प्रोसीजर्स होते हैं उन्हें अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जैसे फॉर अगर आप बाहर से फॉरन से अगर MBBS करके आ रहे हो तो इंडिया में आपको बाकी प्रैक्टिस करने के लिए या फिर आपकी इंटर्नशिप कम्प्लीट करने के बाद भी आपको यहाँ इंडिया में एक एग्ज़ाम देना पड़ता है कि आप फॉरेन की जो एजुकेशन है वो इंडिया में कितना रिलायबल है, जो भी इनका सिलेबस होगा आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये चीजें जो सिस्टम राइटर बता रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेट कर देता है माइग्रेंट स्टूडेंट्स के लिए जो इंटर्नशिप करने आते हैं इसके बाद, ठीक है। तो इस जैसी चीजों को हमें देखने की जरूरत है जिसकी वजह से आपके जो एजुकेशन सेक्टर में स्पेशली मेडिकल में इसमें शॉर्टफॉल्स होने की चीजें जो है बताई जा रही हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल आर्टिकल था। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है हेपेटाइटिस के बारे में है। अभी WHO की रिपोर्ट आई है इसके हेपेटाइटिस के बारे में। देखिए WHO ने ये रिपोर्ट बताई है कि इंडिया के अंदर जो हेपेटाइटिस है ना वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, बहुत बड़ा एक चैलेंज के फॉर्म में दिख रहा है। अभी आप देख लोगे नियरली हेपेटाइटिस बी के जो पेशेंट्स हैं इंडिया में 3 करोड़ के आसपास हैं और हेपेटाइटिस जो सी है वो कम से कम 50 लोगों के आसपास हैं पेशेंट्स। हेपेटाइटिस होता क्या है, देखिए ये है ना डिजीज़ है वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस बी और सी एक वायरस है, ठीक है, उसकी वजह से होता है। और ये क्या करता है, जो आपका लिवर होता है बॉडी, इंसान के बॉडी में जो लिवर होता है ना तो उसको जो पेट से आपका जो अटैच्ड होता है, ठीक है, डाइजेशन में बहुत बड़ा काम करता है लिवर, तो वहां पे उसमें इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है लिवर में, ठीक है, जो हेपेटाइटिस बी और सी होता है। तो इसमें बताया कि अभी जो कम से कम जो 2022 में माना गया है कि काफी सारे लाखों में लोगों को ये इंपैक्ट हुआ है, ठीक। और अगर आप बात करोगे तो लेकिन इसमें दुख की बात यह है कि बहुत ही कम लोगों को डायग्नोस किया गया है कि जिनमें सीरियसली ये हेपेटाइटिस है, क्योंकि देखिए इंडिया में एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न ये है ना, बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता, सिम्टम्स दिखते ही नहीं है जब तक कोई सिवियर इंपैक्ट नहीं हो जाता, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फ्लुएंस है लेकिन पता नहीं चलता। ये स्पेशली होता तब है, ये स्पेशली स्प्रेड होता है ब्लड से, जैसे अगर आपने ब्लड ट्रांसफ़र करा किसी को या किसी और से ब्लड आपने लिया तब सबसे ज़्यादा देखा गया कि हेपेटाइटिस ट्रांसफॉर्म होता है। दूसरी चीज़ जो है बच्चों से, जैसे बच्चों में सबसे ज़्यादा मदर से ट्रांसफ़र होने की बात करी है, जब बच्चा बॉर्न होता है तो उससे पहले ही मदर जब पेट में बच्चा रखती है तब जब कहीं ना कहीं केयरलेस की वजह से भी चीज़ें जो हैं ट्रांसफ़र हुई बताई जाती है। अब जैसे अगर आप बात करोगे हेपेटाइटिस बी जो है वो फिर भी जो है लेस है एज़ कम्पेयर सी के, जैसे सी जो है, अब जैसे अगर आप बात करोगे कि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम करके है शुरू किया गया है जिसका मेन एम क्या है, एलिमिनेट करना है हेपेटाइटिस सी को 2030 तक, ठीक है, और सिग्निफिकेंट जो मॉर्बिडिटी है मॉर्बिडिटी को रिडक्शन करना है, मॉर्बिडिटी यानी उससे ग्रसित जितने भी लोग हैं उसको कम करना है और मोर्टैलिटी जिससे इन लोगों की डेथ हो रही है उसको कम करना है स्पेशली हेपेटाइटिस बी से, ठीक है। और WHO ने ये वार्निंग दी है, अलार्म दिया है इंडिया के लिए कि ये इसको अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। और इन लोगों ने जो है अब 2024 से 2026 के बीच में अब इस पर ट्रैक करना शुरू कर दिया है मेनली हेपेटाइटिस बी और सी पे। देखिए राइटर्स में बता रहे हैं कि हेपेटाइटिस और बी और सी जो है स्पेशली कॉन्टैक्ट विद कंटेमिनेटेड ब्लड की वजह से होता है, ठीक है। और ये करता क्या, हेपेटाइटिस जो बी है ना ये जो टिश्यू होते हैं किसके टिश्यू, लिवर के टिश्यू, उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, और ये कैंसर जैसी चीज़ों को भी इंक्रीज़ कर देता है और डायग्नोस करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब साल भर साल जब टाइम बढ़ता जाता है और इसके सिम्टम्स लोगों को शो नहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम तब होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपका ये नेशनल वायरल हेपेटाइटल कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये स्पेशली 2018 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, और इसी वजह से क्या है कि सबसे पहले अब क्या होने लग गया है कि फ्रीली पहले अब टेस्टिंग होती है। अगर आप जैसे किसी को भी ब्लड देते हो तो सबसे पहले
पहले ब्लड स्क्रीनिंग होगी कि आपके ब्लड जो है सही है या नहीं है, अल्कोहल तो नहीं हो, आप में कोई हेपेटाइटिस बी और सी का सिम्टम तो नहीं है। तो पिछले 20 साल से इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बताया गया है कि इसका जो हेपेटाइटिस बी और सी बढ़ने की जो दर है वो काफ़ी हद तक जो है कम किया गया है, लेकिन अभी इसमें और काम करने की ज़रूरत है। और ये सबसे ज़्यादा जो मदर से बच्चे में शिफ्ट होता है वो ज़्यादा है, तो वैक्सीनेशन से ये प्रिवेंट हो सकता है। अगर जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उस समय जो वैक्सीन लगाने होते हैं हेपेटाइटिस रिलेटेड, अगर वो उस समय लगा दें, या फिर जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है जस्ट आफ्टर बर्थ, उस समय भी अगर लगा दें तो ये ज़्यादा अर्ली स्टेज पर जो है क्योर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में कंसर्न ये है कि 50% ही जो इन्फेंट ऐसे हैं, बच्चे हैं ऐसे हैं जो वैक्सीनेट हो पाते हैं अर्ली स्टेज पर, ठीक है। तो इसलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इम्यूनाइजेशन करने की ज़रूरत है। और हेपेटाइटिस सी जो है वो ईजी है एज कम्पेयर बी के, ठीक है। ये एंटीवायरल से क्योर हो सकता है, ड्रग से कंट्रोल हो सकता है, और अकॉर्डिंग टू WHO के ये है अभी जो है इंडिया अमंग्स द लोएस्ट कॉस्ट है। एक्चुअली अगर आप कॉस्ट देखोगे हेपेटाइटिस को ठीक करने में, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया में सस्ता है ये एज कम्पेयर बाकी के। तो इसीलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और वायरल जैसी चीज़ें, जैसे अगर आपकी बात करें हेपेटाइटिस बी सी हो गया, या इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो होने वाली बीमारी जैसे TB है, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। इन्हें क्योर करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, इस पर ध्यान देने की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आप एक बार कर लीजिए कि UPSC के प्रीलिम्स में भी हेपेटाइटिस बी सी पे इसके जो वो होते हैं क्या बोलते हैं वैक्सीन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ भी चुका है, आई थिंक 21 या 22 में आया था, तो आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे राइटर जो है एक हेल्थ सेक्टर के बारे में बता रहे हैं। राइटर बता रहे हैं कि हमारे इंडिया में ना प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है हेल्थ डाइवर्सिटी में। अगर आप बात करोगे जैसे कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, जैसे आयुष्मान भारत है, ठीक है, और या फिर और भी जो सेक्टर्स है उसमें कहीं ना कहीं जो है प्राइवेट सेक्टर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है एज़ कम्पेयर गवर्नमेंट के। अब जैसे राइटर बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, इन लोगों ने प्राइमरी हेल्थ जो है रूरल लेवल पे जो होती हैं प्राइमरी लेवल में काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है। और कि प्राइवेट हेल्थ जो है प्राइवेट सेक्टर जो है इन हेल्थ में स्पेशली प्राइमरी केयर में ना प्राइवेट सेक्टर ने कम से कम 80% जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अगर आप बात करोगे स्पेशली TB को, जिसे हम 2025 तक हमें इराडिकेट करना है इंडिया से, उनको हटाने में जो है इन जैसे डिजीज़ को एलिमिनेट करने में प्राइवेट सेक्टर ने ही सबसे ज़्यादा जो है सपोर्ट किया है, ठीक है। और अगर हम बात करें 2023 के, इंडिया ने नोटिस किया है कि 25 लाख आसपास जो है TB पेशेंट्स हैं, और इसमें से 8.4 लाख पेशेंट्स सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हेल्थ सेक्टर से हैं, ठीक है। और अभी 2013 के बाद से ये 21 गुना बढ़ चुका है, ठीक है। तो राइटर ये बता रहे हैं कि हमें जो है टीबी एलिमिनेट जो आपको 2025 तक करना है ना, उसमें कहीं ना कहीं हम इसमें फोकस है कि हमें प्राइवेट पब्लिक कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। द पब्लिक प्राइवेट इंटरफेस एजेंसी जो कि मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन होगा इन जैसी प्रॉब्लम्स को हटाने में, ठीक है। लेकिन ऑल दो ये प्रॉब्लम, देखिए ये जो पब्लिक प्राइवेट इंटरफेरेंस अभी की बात नहीं है, पिछले 10 साल पहले ही ये आ चुका था, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हेल्थ सेक्टर्स में, ठीक है। और उनके वजह से क्या होता है कि ये टीबी जैसी प्रोग्राम्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है सॉर्ट हुई है। और स्पेशली अगर आप देखोगे जैसे मुंबई, पटना, महसाना, इन जैसी कंट्रीज़ में, इन सारे जैसे सिटीज़ में ये मॉडल को पहले लॉन्च किया गया था पेशेंट प्रोवाइड सपोर्ट एजेंसी जैसी, और अब ये कम से कम 200 डिस्ट्रिक्ट्स में है। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है हेल्थ सेक्टर्स में, ठीक है। और इसके अलावा जो है राइटर बता रहे हैं, इसके अलावा जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं जैसे रिटेल केमिस्ट होती है, लेबर्टीज़ होती हैं, ठीक है, इन लोगों ने भी काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड टीबी केयर में काफ़ी काम सपोर्ट किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, हर देखिए बहुत सारे लोग हो जाते हैं जो थोड़े डरते भी हैं हॉस्पिटल जाने में, या बहुत नॉर्मली अगर आज भी हम फीवर कफ होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम पहले मेडिकल केयर के पास जाते हैं, सीधा बोलते हैं कि भैया हमें फ़ीवर है या हमें पेन हो रहा है, वो एक दो टैबलेट्स देते हैं एंटीबायोटिक्स, तो उससे हम लेके 2-3 में क्योर हो जाते हैं। तो सेम टीबी पे भी बहुत हद तक देखा गया है कि ये जो आपके ये जो केमिस्ट हैं ये भी काफ़ी अच्छा जो है रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और स्पेशली अगर आप बात करोगे इनमें जो है जो लोग निक्षय पोषण योजना के तहत निक्षय है ना, उन लोगों को प्राइवेट सेक्टर से भी काफ़ी हेल्थ सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो राइटर ये बता रहे हैं यहाँ पे इसको किस तरीके से और भी शार्पन करें, किस तरीके से और इसको आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पे जो है हमें सबसे बड़ी बात, हमें पहले ये करना पड़ेगा इन प्रोग्राम्स में जो इनफॉर्मल हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें, जैसे इनफॉर्मल हेल्थ वर्कर्स कौन होते हैं, जैसे अगर आप गाँव में देखोगे तो आज
भी बहुत सारे गाँव में ऐसे हैं जहाँ पे उन लोगों के पास एज अ डॉक्टर के फॉर्म में काम करते हैं, लेकिन उन लोगों के पास ऐसा इतनी डिग्री नहीं होती, या फिर वो आयुर्वेदा पढ़े हुए होते हैं या एलियोपैथी की जस्ट इन्होंने नॉर्मल थ्योरी पढ़ी होती है, उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उनकी जो लोकल कम्युनिटी है ना उन पर ट्रस्ट करती है कि फॉर एग्जाम्पल फलाना डॉक्टर हैं, फलाना भाई साहब हैं, ठीक है, वैद्य जी बोलते हैं, जिनको वैद्य जी भी बोलते हैं, आपने सुना होगा गाँव में, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, अब जैसे वैद्य जी भी होते हैं तो उन क्या होता है कि एक तो लोकल कम्युनिटी होती है ना, वो वहीं का आदमी होता है तो ट्रस्ट करते हैं वहाँ पे, है ना। अब उन्होंने कहा कि भैया टीबी पे आप ये टैबलेट करो, फीवर है तो आप ये खाना खाओ, ये मत करो, तो क्या होता है कि एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो उनमें राइटर यहाँ बताना चाह रहे हैं कि इनफॉर्मल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बोलते हैं उन लोगों को, तो उन लोगों के पास काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट देखने को मिला है। स्पेशली अगर आप हरियाणा जैसे गाँव में देखोगे तो वहाँ पर इन्होंने बताया कि 54% इनफॉर्मल जो है प्रोवाइडर्स वो हर महीने में कम से कम 2 से 5 टीबी पेशेंट्स को कंसल्ट करते हैं। और ऐसे वेस्ट बंगाल में 203 प्रोवाइडर हैं, हेल्थ सर्वे प्रोवाइडर, जो हर 6 महीने के अंदर कम से कम 5 से ज़्यादा पेशेंट्स जो टीबी सिम्टम्स के उनको देखते हैं वो, ठीक है। अब देखिए टीबी जैसे इश्यूज में जहाँ मेनली डॉक्टर के पास जाना चाहिए वहाँ लोग हेल्थ सर्वर के पास, इनफॉर्मल सेक्टर्स के, इनफॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर के पास जा रहे हैं। एक तो यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है ट्रस्ट का, ठीक है, और लोकल में ही है पर्सन, और बंदा क्या होता है जब हॉस्पिटल, कहीं ना कहीं माइंडसेट भी लोगों का होता है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो ज़्यादा खर्च हो जाएगा, अगर हम इस फॉर्मल वाले के पास जाएंगे, वैद्य जी के पास जाएंगे तो ये सही दवाई देंगे, ट्रस्ट भी जो है बिल्ड होता है, ठीक है। तो राइटर यहाँ एक चीज इसलिए बता रहे हैं कि हमें इनको बढ़ाने की जरूरत है। तो उनको कैसे बढ़ाना है, जैसे हम ट्रेनिंग दे सकते हैं इन लोगों को प्रॉपर, ठीक है, सर्टिफिकेट देकर, ठीक है, इन लोगों को अगर हम और अच्छा करें तो ये लोग जो है ग्राउंड रियालिटी में एक डॉक्टर से ज्यादा एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है ये इन्होंने ये बात बोली है, राइटर फोकस कर रहे हैं, हमारे पास जो रिटेल केमिस्ट होते हैं ना, केमिस्ट, इन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अब जैसे इन्होंने इंडिया में बताया कि इंडिया में कम से कम 6 लाख रिटेल प्राइवेट फार्मास्यूटिक्स हैं, मेडिकल शॉप्स जो होती हैं, जो स्पेशली ड्रग्स वगैरह या इनसे रिलेटेड जो भी टैबलेट्स हैं उस पर मेनली टीबी के लिए भी ये बहुत बड़ा काम करते हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है कि यहाँ ना इनके पास जबकि मैंडेटरी है, इनकी मैंडेटरी है कि आपको H1 स्केड्यूल से रिलेटेड या कोई भी ऐसा जो हाई डोज एंटीबायोटिक्स है एक लिमिट में ही सेल करना है। लेकिन क्या होता है कई बार ये लोग इसको ब्रीच कर देते हैं, हाईली जो है मतलब बहुत अनलिमिटेड में भी सेल कर देते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा जो है एडिक्वेट करने की ज़रूरत है फार्मास्यूटिकल्स में, ठीक है। और इसके अलावा आपको अगर टीबी हर्डल्स को हटाना है तो राइटर यहाँ बता रहे हैं कि आपको जो है हेल्थ प्रोवाइडर, इनफॉर्मल हेल्थ प्रोवाइडर के साथ जो फार्मास्यूटिक्स हैं कम्युनिटी, उनको आपको मेनली काम करना होगा, क्योंकि पेशेंट्स डॉक्टर से ज़्यादा इन लोगों के पास जाते हैं, ठीक है। तो इनसे भी जो है अगर बीमारी ठीक हो रही है तो कोई इशू नहीं है, तो हमें इनको जो है इन 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 चीज़ों को जो है पेशेंट्स इनके पास जा रहे हैं तो हमें इनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर रेगुलरिटी नॉर्म्स जो हैं इन्हें देकर भी जो है हम टीबी जैसी चीज़ों को 2025 तक हम जो है इरेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को राइटर जो हैं यहाँ बार बार कह रहे हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर्स को, प्रोवाइडर जो फार्मास्यूटिकल जो मेडिकल वगैरह में केयर में काम करती हैं, इन लोगों को जो है इनकी कैपेसिटी, इनको और बूस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि बहुत लंबे टाइम से क्या है, म्यांमार में कू चल रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे जो है मिलिट्री फाइट चल रही है, सरकार गिर चुकी है वहाँ पे म्यांमार में, ठीक है। कब से, कम से कम 2021 से चल रहा है, 2-3 साल हो गए। तो राइटर बता रहे हैं कि वहाँ से क्या होता है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिंग काउंसिल है, जो कि जिसको हम मिलिट्री गवर्नमेंट बोलते हैं, वो रूल कर रही है। तो राइटर यहाँ अभी क्या, रिसेंटली इस राइटर की जो है विजिट हुई थी बैंकॉक के पास, तो उन्होंने कहा था कि अभी रियलिटी में एक्चुअल में म्यांमार का चल क्या रहा है, वहाँ के लोगों का क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए एक होती है मिलिट्री पावर, एक होती है जनता और एक होता है गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्या होता है, इस मिलिट्री और गवर्नमेंट के क्लैश के वजह से क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हार्म जो है वो होती है पॉपुलेशन को। तो अब राइटर वही बता रहे हैं कि पॉपुलेशन को क्या हुआ है, कैसा है, कितना वह ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है। तो यहाँ पे है अभी जो यूएन के जनरल है एंटोनियो गुटेर्स, उनका ना एक विजिट था, तो उन्होंने बोला है कि डीप कंसर्न दिखाएं कि वहाँ की जो सिविलियंस के राइट्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क में हैं। ऑब्वियसली देखिए पूरे टाइम अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई मीडिया बात नहीं बता रही है, इसके अलावा लोगों को आना जाना नहीं हो रहा है, कोई टूरिज़्म नहीं हो रही है, ठीक है, सब चीज़ें क्लोज कर रखी है, मिलिट्री पावर है, तो वहाँ क्या ऑलरेडी वुमेंस का जो ऑलरेडी जो ह्यूमन्स के राइट्स हैं वो वायलेट हो चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है इन्होंने बात बोली है कि वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा
यहाँ पे राइटर दो चीज़ों को फोकस कर रहे हैं। पहली बात तो देखिए वहाँ पे वल्नरेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं उन्हें क्या करने हैं, मिलिट्री में फोर्सफुली जो है ज्वाइन कराया जा रहा है। तो ये दो ट्रेंड रियलिटी देखने को मिल रही हैं, ऐसा जो है यूएन की एजेंसी एजेंट कह रहे हैं। इसके अलावा जो यूएन के एक और हैं मिस्टर टॉम एंड्रयू, उन्होंने बोला है कि देखिए वहाँ पे अभी ह्यूमन राइट्स की सिचुएशंस की बात करोगे तो वहाँ एयर स्ट्राइक्स वगैरह काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप देखोगे पहले 2.7 मिलियन पीपल जो है वहाँ डिस्प्लेस किए गए हैं और 1 मिलियन लोगों का वहाँ अभी तक जो है काइंड ऑफ जो है डेथ हो चुकी है और 18.6 मिलियन लोग जिसमें से 6 मिलियन बच्चे हैं जहाँ पे उनके उनको ह्यूमैनिटेरियन की असिस्टेंस की नीड है और वहाँ पे जो एड है वो बहुत ही मिनिमल है, ठीक है। और लॉजिस्टिक चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा फेसेस है। अब देखिए बात ये होती है लॉजिस्टिक चैलेंजेस में, तो अब इन जैसे कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे जाए तो जाए कौन, अगर जैसे किसी नेशन में अगर हो रहा है या तो उसके आसपास, देखिए अगर जैसे यहाँ पे फाइट हो रहा है या वॉर हो रहा है या तो उसके आसपास के जितने भी नेशंस हैं वो सपोर्ट करें या यूएन जैसे इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी है वो सपोर्ट करे। तो राइटर इसी पे ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो इनकी मिलिट्री जो सेक है यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, इनके वजह से यहाँ पे बहुत कुछ बदल चुका है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आशियान पार्टनर्स हैं। आपको पता होगा आशियान पार्टनर्स में 10 मेंबर से ज़्यादा परमानेंट मेंबर्स हैं। ये जो जापान, फिलीपींस, आपका जो वियतनाम है, थाईलैंड है, इन कंट्रीज़ नॉर्थ साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ बोलते हैं, इनके द्वारा बनाया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है आशियान। इसमें जो है इंडिया भी मेंबर है लेकिन मेन मेंबर में नहीं है, ये प्लस 10 मेंबर्स में से आता है, एक्स्ट्रा 10 मेंबर्स में से जो है इंडिया है, इंडिया है, न्यूजीलैंड है, चाइना वगैरह, ये एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं। लेकिन परमानेंट मेंबर्स अलग हैं, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, ये सब परमानेंट मेंबर्स हैं। तो राइटर यहाँ ये बता रहे हैं कि आशियान के जितने भी मेंबर्स हैं म्यांमार को छोड़ के, जितने भी सराउंडिंग में मेंबर्स हैं उन सबको अब जो है म्यांमार में ध्यान देनी चाहिए। जैसे वही बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पड़ोस में अगर बहुत ज़्यादा मामला लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा वॉर हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ इस कंट्री में ही आपके सराउंडिंग में भी तो आप कहीं ना कहीं उनके आवाज़ों से, उनके जहाँ अच्छा खासा फैमिली चल रहा था वहाँ अप्स एंड डाउन्स, उनके साथ भी ट्रेड्स होते हैं, लेन देन होता है ना। तो वैसे ही राइटर यहाँ फोकस कर रहे हैं इस पूरे आर्टिकल में। तो राइटर यहाँ कह रहे हैं देखिए चाइना है, इंडिया है, पॉसिबली बांग्लादेश है, ये अपने से जो है यहाँ पे जो है हेल्प कर सकते हैं। अभी देखिए थाईलैंड अपनी तरफ से कर रहा है, वहाँ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है, पायलट प्रोजेक्ट, ताकि वहाँ के लोगों को जो है ये हेल्प कर सके, ठीक है। और सेम जो है अभी राइटर बता रहे हैं कि हमें इसको सिचुएशंस को नॉर्मल करने की ज़रूरत है ना। और राइटर बता रहे हैं कि जैसे मीडिया के थ्रू की बात करा जाए, एसएसी उनकी जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल है, क्योंकि 2008 से ही काइंड ऑफ जो है आपके अगर आप म्यांमार के हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ें बहुत ज़्यादा खत्म हो चुकी हैं वहाँ पे, है ना। मिलिट्री आए दिन मिलिट्री इलेक्शंस, फिर वापस मिलिट्री, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो राइटर यहीं बता रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो है राइटर ये भी चीज़ बता रहे हैं कि आशियान का 5 पॉइंट कंसेंसस हुआ था 2021 में। देखिए 5 पॉइंट कंसेंसस में ना 2020 कब हुआ था, जब जैसे कू होने लग गया था ना, उस समय म्यांमार को नॉर्मलाइजेशन करने के लिए भी ना आसियान के कुछ कंट्रीज ने 5 पॉइंट कंसेंसस करके एक मीटिंग करी थी, एक एग्रीमेंट किया था कि इन लोगों को जो है म्यांमार की जो कंडीशंस है उससे निकालेंगे, जो मिलिट्री चल रहा है वहां, जो वॉर्स चल रहे हैं, सिविलियंस को जो प्रॉब्लम हो रही है उन्हें निकालेंगे, ठीक है। लेकिन वो फेलियर रहा है ऐसा राइटर बता रहे हैं। उसके बाद कोई एक्शंस नहीं उठाया गया कोई एसच बड़ा, ठीक है। देखिए कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि म्यांमार की जो प्रॉब्लम है, मिलिट्री जो कू हो रखा है, वो रीजनल प्रॉब्लम है। लेकिन 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 कुछ लोग ये मानते हैं, लेकिन हमें जो है इनिशिएटिव उठाने की ज़रूरत है ताकि इस प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट किया जाए, वहाँ की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको डिक्लाइन किया जाए। क्योंकि धीरे धीरे आप सोचिए कहाँ 2021 से ये चीज़ बढ़ती जा रही है, 2024 आ गया है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए चीज़ें बोली जा रही हैं। बाकी ओवरऑल यही है, बाकी इंडिया के लिए बोला जा रहा है कि देखिए इंडिया को म्यांमार का सपोर्ट जो है करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा पार्टनर है, एक्सपर्ट है इंडिया इन सब चीज़ों में, तो इसको इस चीज़ के लिए बात करनी चाहिए। जियोपॉलिटिकल पे अच्छा रोल प्ले किया अभी तक हिस्ट्री में इसने, तो इसकी जो क्राइसिस है इसको अभी जो है इंडिया स्पेशली ईस्टर्न नेबरहुड होने के नाते इसको अफोर्ड करना चाहिए। एक जस्ट सजेशन है ये, ठीक है। आपको जस्ट ब्रीफ पता होना चाहिए ब्रीफली कि क्या चल रहे हैं ग्लोब में, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है, मैं इस साइड से एक आर्टिकल ले लेती हूँ बांग्लादेश के ऊपर। अभी देखिए मुद्दा क्या चल रहा है, मैं आपको एक बार ब्रीफ बता देती हूँ कि ना अभी बांग्लादेश में 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है ना, वहाँ उन लोगों ने क्या किया है, बायकॉट
इंडिया करा है, हैशटैग बायकॉट इंडिया ट्विटर पे, बहुत सारे सोशल मीडियाज़ में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। क्यों बायकॉट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए क्या होता है, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि इंडिया जो है ना, हमारे बांग्लादेश के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफेयर करता है, और जो रूलिंग पार्टी है कहीं ना कहीं उसको जिताने में इंडिया ने सपोर्ट किया है, और ओपोजिशन है उसको कहीं ना कहीं ये गिराता है, उसके अगेंस्ट रहता है। ये एलिगेशन लगा है इंडिया के ऊपर, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि, और इन लोगों ने अभी क्या अनाउंस किया है कि हम इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उस सबको बायकॉट करेंगे, ठीक है, उसको बायकॉट करेंगे, हम इंडिया के प्रोडक्ट्स को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे राइटर बहुत बड़ा एक लंबा एग्जांपल, चौड़ा एग्जांपल बता रहे हैं कि इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है। और अभी एक्चुअली आपको भी लगेगा कि इसके ऑपोजिशन ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो मैं एक फैक्टर बता देती हूँ। जो ऑपोजिशन पार्टी है ना इनके बांग्लादेश की, ठीक है, वो जिसको बोलते हैं हम BNP, ठीक है, BNP बोलते हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, एक्चुअली ये चाइना प्रो है। पहली बात तो आप समझ गए होंगे कि मुद्दा कहाँ घूम फिर के अचानक से ये उठ रहा है। तो चलो खैर देख लेते हैं आर्टिकल। देखिए यही चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है अभी रिसेंटली अचानक से लोकेशन के हिसाब से इंडिया को जो है रोल इंडिपेंडेंट टाइम से रहा है, अब अचानक से जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया को आउट करा जा रहा है, बायकॉट इंडिया जैसे हैशटैग जैसी चीज़ें जो हैं हो रही हैं। अब देखिए राइटर यहाँ बता रहे हैं कि कौन है BNP यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जो लीडर हैं, कौन है, मौलाना अब्दुल हमीद खान भसानी, ठीक है। इन्होंने जो है अनाउंस किया है कि हम जो है इंडिया को अगेंस्ट करते हैं, बायकॉट करते हैं, और इन्होंने बोला है कि जो है, देखिए वैसे बशानी जो हैं चाइना प्रो हैं और ये इस्लामिक सोशलिज्म पे एक मॉडल को सपोर्ट करते हैं, और इन्होंने ये भी बोला कि इन्होंने जो शेख मुजीबुर रहमान हैं, शेख मुजीबुर रहमान जो कि अभी लीडिंग गवर्नमेंट है, जो शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करते हैं, और शेख मुजीबुर वो हैं जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इंडिया की जो सपोर्ट है वो मांगते हैं अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ठीक है। तो इन्होंने जो है, इनकी जो ऑपोजिशन है वो शेख मुजीबर की जो है उनको भी क्रिटिसाइज़ कर रही है कि आप जो है कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग और राइट विंग को जो है भड़काते हो, या कोलिशन करके आवामी लीग के अगेंस्ट कहीं ना कहीं सपोर्ट के फॉर्म में यूज़ करते हो इसको, ठीक है। तो BNP ने ये बोला है कि BNP एक्चुअली जो है, राइटर बता रहे हैं कि ये ऑर्थोडॉक्स है कहीं ना कहीं, ठीक है, इनकी थॉट थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है, और इसका जो कंट्रोल है, स्पेशली BNP का जो कंट्रोल है वो कौन है, उसके जो चेयरपर्सन है BAP के, वो हैं मिस्टर तारिक रहमान के बेटे खालदा जियान सन, उनके खालदा जियान के सन हैं जो कि लंदन से बैठे हुए इसको रूल कर रहे हैं BNP को, ठीक। अब जैसे देखिए अगर BNP की हम बात करें, क्या है ये 2006 तक जो है रूलिंग में था बांग्लादेश में, 2006 के बाद ये रूलिंग में आया ही नहीं, पॉलिटिकली इसकी वैल्यू बहुत डाउन हो गई बांग्लादेश में, और 2014 में इसने बायकॉट कर दिया था इलेक्शंस को, और 2024 में जो अभी बांग्लादेश के इलेक्शन हुआ था अभी इस साल, आपको पता होगा उसमें शेख हसीना ही जीती, इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, ठीक। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं राइटर कह रहे हैं माइट बी वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है कि इसी वजह से यहाँ के जो लीडर्स हैं वो भड़के हुए हैं, इंडिया के मूवमेंट जो बायकॉट इंडिया मूवमेंट चल रहा है इसका एक रीज़न ये भी है, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी लोग हैं, और इन्होंने मेनली ये बोला कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और अभी जो इसमें से एक लीडर हैं, ठीक है, उन्होंने तो क्या बोला, जो रिजवी हैं पब्लिकली इन्होंने क्या कहा, कश्मीरी जो शॉल है उसको फेंक के कहा है कि हम इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम बायकॉट करेंगे, ठीक है। तो और इसके अलावा दूसरी तरफ अगर आप उनके लीडर जो शेख हसीना अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि देखिए उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उनका अगर पॉलिटिकली रिकॉर्ड देखोगे ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो देश की इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा फोकस करती हैं बांग्लादेश के, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उन्होंने लास्ट पिछले 10 साल से डेवलपमेंट की वजह से लोगों का एक अच्छे लीडर के फॉर्म में आई हैं, और इन्होंने टारगेट किया है कि बांग्लादेश 2041 तक मिडिल इनकम कंट्री में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसके अलावा इन्होंने क्या करा है कि अभी 2026 तक लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिस्ट में ये आ चुकी हैं, क्योंकि देखिए बांग्लादेश वो नेशन है जो आज से 10 साल पहले एक्सट्रीमली पॉवर्टी में था, अब वो 2040 तक आते आते अपने आप को मिडिल इनकम कंट्रीज़ में लाना चाह रहा है, तो ये बहुत अचीवमेंट है बांग्लादेश के लिए, है ना। और इसके अलावा राइटर यहाँ बता रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में साउथ एशियन के बहुत सारे कंट्रीज़ से बांग्लादेश आगे है। अभी जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है उसमें इन्होंने बताया कि बांग्लादेश ना ओवरऑल देखिए 1991 में इंडिया के साथ जो एक्सपोर्ट करता था वो था 324 मिलियन, ठीक है, 1996 में वो 868 मिलियन था, 2001 तक आते आते इंडिया के पास वो 1 बिलियन एक्सपोर्ट करने लगा इंडिया को,
इंडिया एक्सपोर्ट करने लगे बांग्लादेश को, और 2006 तक आते आते 1.66 बिलियन जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड होता है, ठीक है। अब तो ये 2 बिलियन जो डॉलर है वो उतना एक्सपोर्ट होता है इंडिया की तरफ से जो वर्थ रखती है इकोनॉमी। तो इंडिया और बांग्लादेश की अगर आप दोस्ती देखोगे ना इकोनॉमी की पर्सपेक्टिव से तो बहुत गहरी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही गहरी है, ठीक है। क्योंकि देखिए पहली बात तो ये आपस में लैंड शेयर करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो लिंकिंग है वो बहुत अच्छा है, गुड्स का मूवमेंट ईजिली हो पाता है, क्योंकि आपको पता होगा कितने सारे जो हैं सी रूट्स हमने असम से सीधा बांग्लादेश में या त्रिपुरा से या फिर बांग्लादेश से वाया होते हुए हमें नॉर्थ ईस्टर्न, जैसे आपको पता होगा ये हमारा जो रीजन है इसके बीच में ही असम आता है और सॉरी बांग्लादेश आता है, और ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स हैं और भी त्रिपुरा है, मिजोरम है, तो हमें यहाँ से चिकन कॉरिडोर से घूमने में बहुत पैसा लगता है। तो हमने क्या करा था, बांग्लादेश से होते हुए भी हमने कॉरिडोर्स बनाए, तो इससे फ़ायदा बांग्लादेश को भी और इंडिया को भी है ना। और अगर हम अभी बात करें तो राइटर बता रहे हैं कि देखिए इंपोर्ट फ्रॉम डिस्टेंस लोकेशन चाइना से भी ये लोअर कॉस्ट पे जो है इंपोर्ट कर पाता है क्योंकि कॉरिडोर्स काफ़ी अच्छे बन चुके हैं। इंडिया और बांग्लादेश जो है सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्ट है, इंडिया जो है बांग्लादेश का अभी 13 बिलियन जो है वर्थ गुड्स जो है अभी 2021-22 में बांग्लादेश के मार्केट में आया था, कहाँ से, इंडिया की तरफ से। ये डेटा इसलिए बता रहे हैं राइटर क्योंकि देखिए अभी अचानक से बांग्लादेश के नेशन में बोला गया लीडर्स ने कि बायकॉट द इंडियन गुड्स। तो एक बार बायकॉट से पहले आप सोच लीजिए कि आप कितने लेवल की इकोनॉमी को लॉस करने वाले हैं, ठीक है। तो यही इसीलिए दिखाया जा रहा है इंडिया का जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश को सप्लाई चेन में मेनली जो है इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अब जैसे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो की ड्रिवन है बांग्लादेश का, आपको बहुत सुना होगा, बहुत डॉक्यूमेंट्स देखा होगा कि बांग्लादेश का टेक्सटाइल बहुत नंबर वन है साउथ एशियन कंट्रीज में, ठीक है। चाहे वो लेदर का हो, चाहे वो कॉटन का हो, किसी का भी हो, टेक्सटाइल बहुत अच्छा है वहाँ का, है ना। और 2002 में नॉन रिटेल प्योर कॉटन यान जो होते हैं और रॉ कॉटन जो होते हैं वो टॉप इंडिया का इंपोर्ट रहा है, कहाँ से, बांग्लादेश से, ठीक है। तो अभी क्या सिर्फ इंडिया के फ़ायदेमंद के लिए, बांग्लादेश के फ़ायदेमंद के लिए भी है क्योंकि वो इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो आपका यान है और फैब्रिक है वो बांग्लादेश के फैक्ट्री से जो है मैन्युफैक्चर होकर आती है। स्पेशली अगर आप लेदर देखोगे ना, लेदर का जो रॉ मटेरियल होता है ना, आपको पता है साउथ एशियन इवन यूरोपियन काफ़ी सारे कंट्रीज़ को जो है सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होता है क्योंकि इसका लेदर का जो रॉ मटेरियल है वो बहुत सॉलिड होता है। आप देखिएगा इसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। इसके अलावा जो है इंडिया ऑल्सो जो बांग्लादेश को सप्लाई करता है रिफाइंड पेट्रोल हो गया, इसके अलावा क्रूड ऑयल हो गए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी चीज़ होती हैं, फार्मास्यूटिकल हो गया, केमिकल्स हो गए, मशीनरी हो गए, मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें हो गई, ये सारे जो हैं इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को जाता है। और इंडिया अभी कम से कम 50,000 टन ऑफ ओनियन जो है, अभी रमज़ान अभी चल रहा है वहाँ पे, बांग्लादेश को जो है एक्सपोर्ट किया है ओनियन को। और जबकि 2023 में इंडिया ने ये बोल दिया था कि हम अपनी कोई भी क्रॉप जो है एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके एक्सेप्शन केस में भी उसने बांग्लादेश को जो है 50,000 टन जो है प्याज एक्सपोर्ट किया है। और इसके अलावा एसेंशियल गुड्स जैसे कि गार्लिक हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, स्पाइसेस हो गए, ये सारी चीज़ें जो है बांग्लादेश को कौन करता है, इंडिया करता है, ठीक है। और इवन जो है इन दोनों के बीच में इनफॉर्मल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज क्रूशियल स्टेबलाइज करती है इन्फ्लेशन को भी, ठीक है। तो इंडिया जो है बांग्लादेश का बहुत बड़ा मेजर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को सप्लाई करने में भी, इसके अलावा डीजल लोकोमोटिव जो होते हैं उनको, डबल सिंगल डेकर बसेस जो होती हैं, स्टील हो गया, इसके अलावा कोचेज हो गए और स्टील कोचेज हो गए और भी चीज़ें जो हैं, और गवर्नमेंट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत जो है ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है बांग्लादेश का, जो आपका बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन लॉस में चल रहा था वो अब इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन के साथ मिलने के वजह से बहुत ज़्यादा फायदे में है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है राइटर ये बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें हुई किसके बेसिस पे, CEPA के नेगोशिएशन के वजह से, यानी कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की वजह से। ये जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए एक नेगोशिएट का काम करता है, ठीक। और अभी जो है शेख हसीना ने, अभी देखिए ऑपोजिशन पार्टी ने जैसे बायकॉट इंडियन गुड्स बोला तो शेख हसीना ने अपनी तरफ से बोला अगर आपको इंडियन गुड्स बायकॉट कर रहे हैं ना तो आपके घर में जो गरम मसाला, ओनियन, गार्लिक, जिंजर तक आती है ना, इस सारे जितने भी मसाले हैं जो आप अपने घर में देखते हो वो भी सब कुछ इंडिया से ही आता है, अगर इंडिया से बायकॉट करोगे तो ये भी सब चीज़ें आपके घर में नहीं मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं वार्निंग दे रही थी वो। और इसके अलावा देखिए इनका शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है वो यूथ को एजुकेशन करने में, वो मॉडरेट उनको आगे बढ़ाने में इन पर फोकस करती हैं पॉलिटिकली, और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेनली फोकस किया जाता है और वो भी विद अलायंस ऑफ इंडिया। तो इस जैसे जो है इन लोगों ने इस चीज़ पे जो है सपोर्ट नहीं करते हैं जैसे चीज़ों को। और इन्होंने कहा कि जो ये पार्टी है ना BNP जो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये 2008 से ही इसी तरह चीज़ों को, स्पेशली आपके जो
स्पेशली जो आपके ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज़ें हैं, कमर्शलाइजेशन जैसी चीज़ें हैं, इसको ये बायकॉट करती आ रही है, जिसमें शेख हसीना ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्सलीट आइडिया है आज के टाइम पे, जहाँ आप पूरा वर्ल्ड आपका जो है पिछले 30 साल से जो है ग्लोबलाइज हो चुका है, वहाँ पे आप कह रहे हो कि आपको जो है अलग होना है और अकेला रहना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो राइटर यही बता रही हैं, यहाँ शेख हसीना भी ने कहा और राइटर भी यही बात बोल रही हैं कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ने की ज़रूरत है, यहाँ सिटीजन्स के बीच में बोथ कंट्रीज़ को लिबरलाइज होना चाहिए वीज़ा रिजाइन में भी, ठीक है, और इंडिया और बांग्लादेश के डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स पर भी अगर हम फोकस करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पैक्ट नहीं करेंगी। तो ये देखिए नेक्स्ट आर्टिकल आइडिया पेज से हम जो है सी राजामोहन जी का आर्टिकल आया, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशन पे। तो इसमें यूएस, अब देखिए इससे ओवरऑल आर्टिकल क्या है, मैं इसको एक बार ग्लिम्स बता देती हूँ। इसमें ये है कि यूएस जो है अब क्या कर रहा है, चाइना के साथ जो है बातें चल रही हैं, अभी रिसेंटली जो है यूएस के प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन की और चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग की, इनकी टेली में बात हुई थी, टेलीफोन में बात हुई थी, जिसमें चाइना ने बोला था यूएस को भी कि थोड़ा ट्रस्ट हमारे बीच बिल्ड होना चाहिए, हमारे बीच एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हम लोगों के बीच में एक पीस होना चाहिए, ठीक है, जिस पर इंडिया ने भी बात बोली थी। जो फिलीपींस का इशू उठा था, हमने 2-3 दिन पहले आर्टिकल डिस्कस किया था कि इंडिया ने कहा कि चाइना अगर यूएसए से ये एक्सपेक्ट कर रहा है तो बाकी कंट्रीज चाइना से भी यही एक्सपेक्ट कर रही है कि आपको पीस क्लॉज बना के रखना है, स्टेबिलिटी बना के रखनी है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बना के रखना है, ठीक है। तो इसी बारे में है। अब देखिए अचानक से चाइना को ऐसा क्या हुआ कि ये यूएस के साथ रिलेशन को बनाने के लिए बात कर रहा है, उसमें 2-3 चीज़ें फैक्टर्स बताई हैं कि इन दिनों में यूएस ने चाइना के आसपास के देश, जैसे आपको पता होगा कि चाइना का अभी जो है, देखिए ना तो इसके आसपास के कंट्रीज़ में जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, फिलीपींस है, ताइवान है, इंडिया है, ठीक है, इनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है चाइना के, ठीक है। तो इस वजह से यूएस क्या कर रहा है, आपको पता है यूएस चाइना को काउंटर करने के लिए जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, फिलीपींस हो गया, क्योंकि फिलीपींस नाराज़ साउथ चाइना की वजह से, साउथ चाइना सी पे चाइना कह रहा था ये पूरा एरिया मेरा है, इस वजह से फिलीपींस नाराज़ है। ताइवान आपको पता ही होगा कि चाइना से ही अलग अपने आप को एक प्रोविंस मानता है, और इंडिया तो है ही काउंटर, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना से कितने ज़्यादा रहते हैं हमारे। तो यूएस क्या कर रहा है, चाइना पे काउंटर करने के लिए इसके नेबर में जितने भी एशिया के पार्टनर्स हैं उनको आपस में मिला रहा है और आपस में पार्टनरशिप करने के लिए जो है मीटिंग्स करवाई जा रही है, ठीक है। तो इसी पे ये पूरा आर्टिकल है, तो देख लेते हैं। तो देखिए राइटर इसमें बता रहे हैं कि जॉय बिडन ये मानते हैं कि देखिए चाइना जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल कॉम्पिटिटर है, ऐसा किसने कहा है, जॉय बिडन ने। तो इस चीज़ को राइटर बता रहे हैं, इंडिया और कुछ ऐसे जो स्ट्रैटेजिक है या एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इस चीज़ को जो है, एनालिस्ट जो हैं वो इसको डिसमिस करते हैं, ये बताते हुए कि यूएस जिस तरीके से चाइना को एक रिस्पॉन्सिबल बोल रहा है ना कॉम्पिटिटर, वो चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और इवन बाइडेन ने ये भी बात बोली कि देखिए अगर चाइना के द्वारा किसी भी तरह के डेंजरस चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट आएगी तो यूएस जो है तैयार है उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए और उस चीज़ को जो है कंपटीशन को एक बनाए रखने के लिए, क्योंकि इससे जो है एक सस्टेन हाई लेवल इंगेजमेंट होगा, ठीक। और देखिए सच्चाई तो मैं एक चीज़ बताऊँ ना, सबसे दोगले बाद अगर इस पूरे ग्लोब में अगर कोई नेशन है ना वो है आपका यूएसए। आप किसी को भी ट्रस्ट कर लो, कहते हैं ना किसी को भी विश्वास कर लो, अगर आपको अपने आपके घर में आपने सांप रखा है ना तो आप कभी भी विश्वास नहीं कर सकते, तो सेम सांप का ही रोल यूएस करता है। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में एक रूल है, एक स्लैंग माना जाता है, एक स्लोगन के फॉर्म में मानते हैं कि आपका कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, परमानेंट जो है दुश्मन एनिमी भी नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशन में, ये चीज़ कहा बोली जाती है, ठीक है। लेकिन यूएस इतना बड़ा दोगला है ना, आप वर्ल्ड वॉर के टाइम से अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी ना तब से आप इसका एक रूप देख सकते हो, ये पर्सन सेल्फ ऑब्सेस्ड कंट्री है, ये हर जगह अपने आप को ज़्यादा प्रोमिनेंट रखता है। आप कहीं भी देख लीजिए किसी भी हिस्ट्री में, वर्ल्ड वॉर से लेकर जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं। अभी चाइना क्या है, देखिए माना इंडिया और चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता है, लेकिन ये चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया जापान सबको अपना एक वेपन ही बनाता है, ये बहुत शातिर है। बट खैर वो बात अलग है कि चाइना का थोड़ा सा जो है रिलेशन इंडिया या उसके नेबर्स के साथ अच्छा ना होने की वजह से दूर के लोग जो है आके चाइना पे काउंटर करने के लिए इसके पास के लोगों को ही ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक लंबा इंटरनेशनल रिलेशंस को देख रहे होगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, लेकिन क्या करें इंटरनेशनल रिलेशन में वही बात है कि कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। अगर आज इंडिया और यूएस का अच्छी दोस्ती है तो कल क्या पता इंडिया और चाइना की अच्छी दोस्ती हो जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पे पूरा ग्लोब सेल्फ इंटरेस्ट पे चलता है, नेशन इंटरेस्ट पे चलता है, ठीक है।
तो इसलिए खैर बात रही, लेकिन यही है क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा ना पहले पैराग्राफ में ही, तो जॉय बिडेन खुद कहते हैं, आगे वाले टाइम पे पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये खुद कह रहे हैं चाइना को हम इस तरीके से काउंटर करेंगे, और खुद कह रहे हैं कि ये एक रेस्पॉन्सिबल कॉम्पिटिटर है। तो ये बहुत शातिर है ये देश। खैर आगे देखते हैं। फॉर मैनी इंडियन, देखिए इंडिया राइटर बार बार ये बता रहे हैं कि हमारे स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी के हिसाब से जो आपका कॉम्पिटिशन है वो कॉपरेशन के साथ चलना मुश्किल है। दैट मीन्स आप जो है जिसके साथ कॉम्पिटिशन करते हो उसके साथ आप कॉपरेशन अनसस्टेनेबल ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। लेकिन जैसे अमेरिका है, जैसे क्यों इसको इस पर बार बार इन्फोसाइज कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और चाइना का रोल ऐसा ही है। क्योंकि चाइना क्या कह रहा है कि अमेरिका से आगे बढ़ना है। जैसे अगर आपको पता होगा इकोनॉमिकली जीडीपी अगर आप देखोगे तो अमेरिका की 26 ट्रिलियन के आसपास है इकोनॉमी वर्थ, और चाइना की 18 ट्रिलियन के आसपास है। इंडिया तो 2-2.5 ट्रिलियन, अभी तो बहुत बच्चा है इसके सामने। खैर तो क्या है, अभी चाइना जो है ये कहता है कि हम यूएसए से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये चीज़ जो है यूएसए को बर्दाश्त नहीं होती कि पिछले कम से कम 17 सेंचुरी से, 1750 में यूएसए आज़ाद हुआ था अपने कोलोनाइजेशन से। नो डाउट वो बात अलग है कि यूएसए बना क्या है, यूएसए खुद के किसके, ये यूएसए जो है ये पूरा एंसेस्टर किसका है, यूके का है। यूके के जो ही लोग हैं वही माइग्रेट होकर यूएसए आए थे, क्योंकि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, उन लोगों ने यूएसए बनाया, यूएसए से ये लोग आज़ाद हुए, खुद कॉलोनाइजेशन से आज़ाद हुए 1750 में। दैट मीन्स आज़ादी से मतलब वो आज़ादी नहीं जो हमारा इंडिया ने फेस किया या और कंट्रीज ने, इन्हीं के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था आपस में, मतभेद अपनी सोच को लेकर, साइंस को लेकर, क्योंकि यूके के जो यूरोपियंस थे वो थोड़े कंजर्वेटिव थे, यूएसए के लोग थोड़े जो यूएसए में आके माइग्रेट हो गए थे वो साइंटिफिक थॉट पे चलते थे। खैर वहाँ से आज़ादी से लेकर आज तक अगर आप यूएसए को देखोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे प्रायोरिटी में रखता है। तो राइटर यही इंडिया भी ये बता रहा है कि जहाँ आपका कॉम्पिटिशन है ना वहाँ आप कॉपरेशन रख ही नहीं सकते। और अभी अमेरिका उल्टा कर रहा है इसी चीज़ को, ये कहते हुए कि चाइना जिस तरीके से हमारे साथ कॉम्पिटिटर है वैसे ही हम चाइना और अमेरिका के साथ कॉपरेशन करके चलेंगे। तो इसी चीज़ को हमारे जो स्ट्रैटेजिक है एनालिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो ये बोलते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है लंबे टाइम तक। अब जैसे अगर आप एशिया के तहत देखोगे तो यूएस क्या कर रहा है, चाइना को काउंटर करने के लिए उसके आसपास के नेशंस को कवर कर रहा है। अब जैसे इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम किस चीज़ का है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में आगे अपने आप को लीडिंग पावर में रखना, ठीक है। जैसे अगर आप बात करोगे, मैंने कहा ना इकोनॉमी में 26 ट्रिलियन के आसपास जो है यूएसए है और 18 ट्रिलियन के आसपास यूएसए चाइना है, तो चाइना कह रहा है कि अब जो है अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फॉर्म में या एआई के फॉर्म में या किसी भी चीज़ में, सेमीकंडक्टर जैसे चिप जैसे बनाने में चाइना अपने आप को आगे रख रहा है। तो यही होड़ है इन दोनों के बीच में। तो इंडिया भी इसी चीज़ को बार बार बता रहा है, जहां आपका कॉम्पिटिशन है वहां कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कॉम्पिटिशन और कॉपरेशन के बीच में। दैट मीन्स कॉम्पिटिशन है वहाँ कॉपरेशन नहीं चल सकता, ठीक। तो राइटर यही बता रहे हैं कि देखिए, और अभी अगर आप इकोनॉमिकली देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा जो ग्रोइंग सेंस है इकोनॉमी का चाइना का, वो चीज़ें काफ़ी थ्रेट भी बन जाती हैं। क्योंकि अमेरिका जो है, वॉशिंगटन का आइडिया है ये, अमेरिका को ये चीज़ रियलाइज़ होने लग गई कि धीरे धीरे, स्पेशली अगर अभी आप जो जॉय बिडन की पार्टी देखोगे, उनका नाम क्या है, डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक पार्टी है जॉय बिडन की, ये रियलाइज़ करने लग गई कि चाइना पूरा पूरा अब जो है काउंटर करने की कोशिश कर रहा है किसको, यूएसए को। अमेरिका को आगे करके पीछे करके इसको चाइना को आगे करना चाह रहा है। तो इस चीज के रियलाइजेशन की वजह से क्या कर रहे हैं, अब जो है इनकी पॉलिसी जो है अब वो चेंज होती आ रही है टुवर्ड चाइना, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इसमें बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें इसमें कर रही हैं। अब जैसे ट्रम्प का तो नहीं पता, अभी देखिए यूएसए का इस साल इलेक्शन भी है 2024 के एंड ऑफ द, आई थिंक नवंबर दिसंबर के आसपास यूएसए में इलेक्शन होगा, और ट्रम्प ने ये बात बोला कि वो नॉमिनेट होकर आएंगे इस बार वापस से। तो देखिए वो क्या करते हैं चाइना के साथ, वो तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि चाइना हमेशा से जो है अगेंस्ट रहे हैं चाइना के, जो ट्रम्प है वो हमेशा से चाइना के अगेंस्ट रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इवन ट्रम्प का तो खैर पॉलिसी आपको पता ही है कि वो अलग ही पर्सनैलिटी है, वो एक वो पर्सन ने जो यूनेस्को से अपने आप को क्विट कर लिया, ये वो पर्सन है जो पेरिस क्लाइमेट से अपने आप को क्विट कर लिया, क्योंकि ये बोलते हुए कि क्लाइमेट जैसी चीज़ें बकवास हैं, ये सब पैसे को, जब अमेरिका से पैसा लेने का एक टेक्निक है, ठीक है। खैर ये अलग स्ट्रैटेजी है। खैर लेकिन वही बात है कि अब यूएस और चाइना के बीच में जो है कॉम्पिटिशन ये हो रहा है, ये चीज़ यूएसए ये फेस कर रहा है, ये इसको रियलाइज हो रहा है कि चाइना की स्ट्रैटेजी चेंज होती जा रही है। खैर अगर हम बात करें इंगेजमेंट, देखिए अभी फर्स्ट लास्ट वीक में क्या हुआ है,
कि अभी इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बाइडन है और चाइनीज लीडर शी जिनपिंग है, इन लोगों ने अभी जो है अभी अपने में कम्युनिकेशन को बढ़ाया है, ठीक है। और स्पेशली कम्युनिकेशन तब से ज़्यादा बढ़ गया है जब G20 का मीटिंग थी 2022 में बाली में, जब मीटिंग हुई थी वहाँ से थोड़ी थोड़ी जो है चीज़ें बढ़ने लगी। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है इन्होंने अभी US में भी विजिट किया था सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, किस चीज़ को लेकर, किस चीज़ में, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हुआ था लास्ट नवंबर में, उस समय भी काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट किया गया था कि अमेरिका और चाइना जो है बायलेटरल रिलेशंस को बढ़ाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों को बढ़ाएंगे, मिलिट्री के कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, काउंटर करेंगे नारकोटिक्स जैसी चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है ना कि दो बिल के सांप या नेवला आपस में कैसे दोस्ती कर सकती है, तो वही चीज़ जो है इसमें दिख रही है कि ये एक दूसरे को काउंटर में लेकिन कहीं ना कहीं जो है अपने आप को सराहना देते हुए दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे बीच सब सही है, लेकिन एक दूसरे को काउंटर करना भी है। खैर, अगर हम इस वीक की बात करें कि US ट्रेजरी सेक्रेटरी जो जैनेट येलन है, उन्होंने अभी जो है चाइना का टूर किया है और इनका अभी मेन फोकस पता है क्या, येलन ने चाइना से बात करी है फ्री ट्रेड के लिए, स्पेशली पॉजिटिव इकोनॉमिक इंगेजमेंट के लिए। इन्होंने चाइना को ये बात बोली है, बीजिंग को ये बात बोली है, देखिए अगर आप सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अपने डोमिनेंट जो आपका इमर्जिंग है अगर उसको आप बंद करोगे या फिर उसको आप कम करोगे तो ये आपके लिए बढ़िया होगा, अगर आप इन जैसी चीज़ों में, क्योंकि आपको पता है कि आने वाला टाइम जो है क्लाइमेट चेंज के वजह से क्या है, हमें इसका एक अलग रिजल्ट देखने को मिल रहा है, कैसे जैसे सोलर पैनल जैसी चीज़ों को या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे डिपेंडेंसी धीरे धीरे अब बढ़ेगी। आने वाले 10 साल में तो देश देखना ग्लोबली ये चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली बढ़ जाएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, सोलर पैनल्स, हर घर में सोलर पैनल्स, ठीक है। तो इसमें जो है चाइना ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो यूज़ होने वाले एक चिप है जिसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, आप ये देखिए पिछले 10 से 15 साल में चाइना ने सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर पर इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और ये वन ऑफ द लीडिंग टॉप लीडिंग नेशन में है ये अभी सेमीकंडक्टर पे, ठीक है, वर्ल्ड का पहला कंट्री है जो सेमीकंडक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो USA ने ये बोला है कि अगर आप इसको जो है कंट्रोल नहीं करेंगे तो US जो है क्या करेगा, इसमें न्यू टैरिफ इम्पोज कर देगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली खुलेआम ये एक धमकी है चाइना को कि आप इन जैसे चीज़ों पे, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मत करिए, क्योंकि देखिए ये मैंने आपको पहले ही बोला ना, US को डाइजेस्ट नहीं होता, और ये मैं ये बता रही हूँ कि इंडिया भी कल को आगे जाके अपने डेवलपमेंट में करेगा ना तो US कहीं ना कहीं उसमें भी आड़ेआम आएगा ही आएगा, अब देख लीजिएगा, हिस्ट्री गवाह है इस चीज़ का। खैर आगे देखते हैं, तो इस वीक प्रेसिडेंट बाइडन जो है इन्होंने अभी जापानीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको जो है इनवाइट किया व्हाइट हाउस में, ठीक है, उनका नाम है फुमियो खशिदा, ठीक है, फुमियो खशिदा अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक। तो इन्होंने कहा, इसके साथ साथ जो है इन्होंने वेलकम किया है और भी स्टेट के लोगों को, जैसे साउथ कोरियन के प्रेसिडेंट यून सुक येगोल योल को, फ्रांस के प्रेसिडेंट जो इमैनुअल मैक्रोन है, ये भी अभी जो है व्हाइट हाउस आए थे, ठीक है। इन लोगों ने जो है स्पेशली ये वो कंट्रीज़ हैं जो इंडो पैसिफिक को एक और इंडो पैसिफिक और यूरोपियन को एक साथ लाने का एक तरीका है, इन सब के भी रिसेंटली विजिट्स हुई हैं। और बाइडन ने जो है केशिदा यानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है मिलिट्री टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप जैसी चीज़ों को आगे बढ़ाई है। इन्होंने कहा है कि अब जापान और US जो है टू नेशंस हैं जो मेंस इंटेंसिव डिफेंस कोलैबोरेशंस को और वाइड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशंस को बढ़ाएगा, ठीक है। अब आप सोचिए ये वही जापान है और वही अमेरिका है जिसने हिरोशिमा नागासाकी में बम ब्लास्ट किया था, जिससे आज भी जापान की कितनी ज़्यादा जनरेशन इससे इन्फ्लुएंस्ड है। मैंने कहा ना मौके का फ़ायदा उठाने वाला नेशन है ये, इस पर बिलीव नहीं कर सकते हो, और आज ये जापान के साथ दोस्ती निभा रहा है, किस लिए, क्योंकि चाइना को काउंटर करना है इसको। खैर आगे देखते हैं, और केशिदा जो जापान है इमर्ज्ड एज अ लिंचिन ऑफ बाइडन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। अब देखिए इसमें क्या है, इन्होंने ये बात बोली है, इन शॉर्ट में अगर इस पूरे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये बोलूं तो ये है कि अब US सीधा सीधा जो है आपके कुछ नेशंस कौन कौन से, इसने बोला है कि आप जो है स्पेशली जो जापान है, साउथ कोरिया है, फिलीपींस है, इंडिया है, इनको बोला है कि आप डेवलपमेंट कीजिए, आपको जितनी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करना है आप डेवलपमेंट कीजिए, आपको सपोर्ट जो है डायरेक्टली USA की तरफ से मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आप सारे इन एशियन के नेशंस हैं, आपको पता होगा जापान, ये साउथ कोरिया, फिलीपींस, ये सारे साउथ ईस्टर्न नेशंस के हैं और इंडिया साउथ एशियन के हैं, है तो ये एशियंस ही ना। तो USA ने कहा कि मेरे होते और ना होते हुए भी आप लोग आपस में इमर्ज करिए, ठीक है। और इसमें ये बात भी बोली है कि जो है
है, मतलब धीरे धीरे इसमें ये चीज़ इंफेसाइज करी गई है, लेकिन कुछ लोग एशिया के कुछ जो स्पेशलिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये बात बोल रहे हैं कि टोक्यो का जो अब लेवल है ना, वो पोस्ट वॉर पैसिफिज्म और एशियन की जो जियो पॉलिटिक्स है पोस्ट वॉर के बाद से जो माना गया था, वो थोड़ा हटता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स कहीं ना राइटर ये बता रहे हैं कि एशिया के अंदर में कैसा एक एग्रेसिव या फिर एक मान लो कि एक अलग ट्रेंड। आपको पता कितने सारे वर्ल्ड वॉर के वॉर्स हुए हैं हमारे, ठीक है, उसके बाद से जापान का जो एक रुतबा था डेवलपमेंट पे फोकस करना या फिर जो है एग्रेसिवनेस से दूर रहना, इन चीज़ों पे ना इन्वॉल्व होके अपने डेवलपमेंट पे फोकस करने से थोड़ा सा जो है ट्रेंड बदलता हुआ, शुरुआत होता हुआ दिख रहा है, ऐसा माना जा रहा है। खैर, इन सब के बावजूद भी जो है अभी US जो है जापान के साथ जो है ये बात बढ़ाता जा रहा है और टोक्यो को अब AU-KUS के इनिशिएटिव में पार्टिसिपेंट के फॉर्म में जो है इंसिस्ट किया जा रहा है। जैसे इनका प्लान है, AU-KUS में कौन कौन मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया है, UK है, US है, जो कि 2021 में बना था, इसमें ये प्लान किया जा रहा है अब जापान को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए। और इसके साथ साथ जो है इसमें जो है न्यूक्लियर पावर हो गया, सबमरीन हो गए, वॉशिंगटन से लेकर लंदन और कैनबरा तक जो भी मीटिंग्स होती हैं, इसके इनके जो बीच में एंटी न्यूक्लियर ओरिएंटेशंस है, ठीक है, इन सब चीजों को थोड़ा दूर रखा जाए, लेकिन इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन को बनाने की जो है बात को इंसिस्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब जो है ये माना जा रहा है कि राइटर ये बता रहे हैं कि AU-KUS के, ठीक है, जिसमें जापान है, US है, UK है, जापान नहीं है अभी तो, US है, UK है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया है AU-KUS में, इसमें जापान को लाने की बात चल रही है। ठीक है, उसके साथ साथ मिलिट्री टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक वाटर अंडर वाटर साइबर AI क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को जो है आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में जो है जापान बहुत आगे है। और ये सब चीज़ें इसलिए लाई जा रही हैं ताकि ये जो है चाइना को रिटेन कर सके ओवर, ताकि इन सारे नेशंस के द्वारा चाइना को काउंटर करके बाकी नेशंस को आगे बढ़ाना ही प्लान है किसका, जापान का, अमेरिका का। ठीक है, और इन्होंने कहा कि बाइडेन की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि AU-KUS को आपस में बायलेटरल रिलेशंस बना के रखवाने का, ठीक है, और अपने जो है क्वाड के साथ अरेंजमेंट कराने का। आपको पता है क्वाड में कौन कौन से मेंबर्स हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, US है, ठीक है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान है और USA, ये क्वाड के मेंबर्स हैं, इनके बीच में भी बायलेटरल रिलेशंस बना के रखना। और AU-KUS जो है अभी जो बन रहा है जिसमें US है, UK है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान को इन्वॉल्व करना और इनका आपस में जो है रिलेशंस बनवा के रखना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना, तो इन चीज़ों को कोलैबोरेशन करने की बात चल रही है। तो राइटर यहाँ ये कह रहे हैं कि अब एशिया में ना पहले क्या होता था, जैसे बायलेटरल रीजन चलते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया चाइना, इंडिया यूरोप, इंडिया अमेरिका, ठीक है, तो अब क्या होने जा रहा है एशिया में, मिनी लेटरलिज्म हो रहा है, जैसे दो तीन नेशंस का मिलकर या तीन या चार नेशंस का मिलकर, जैसे आपका US हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, इस तरीके से मिनी लेटरलिज्म जैसी चीज़ें, फेनोमिना जो है धीरे धीरे एशियन के सिक्योरिटी रीजनल लेवल पे जियोपॉलिटिक्स के डायनेमिक्स में देखने को मिल रही हैं, राइटर बता रहे हैं। इसके अलावा साथ साथ जो है और ये भी बताया गया है कि देखिए लास्ट ईयर बाइडेन ने क्या किया कि जापान और साउथ कोरिया के लीडर्स को ये बोला कि आपको ट्राइलेटरल स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है सियोल और टोक्यो को, ठीक है, और इन्होंने कहा कि इसको बाइडेन ने क्या बोला, चिप 4 अलायंस बोला। कौन कौन से चिप 4 अलायंस में, वर्ल्ड के जो मेजर सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर हैं जो हैं ताइवान, साउथ कोरिया, जापान और US, इन्होंने कहा इन सबको आपस में मिलना चाहिए, आपस में कोलैब करके जो है चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए। और इसके अलावा जो है इन्होंने बायलेटरल समिट बाइडेन ने किशिदा, दैट मीन्स जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ करा, और इनके साथ साथ इन्होंने फिलीपींस के जो प्रेजिडेंट है फर्नांडिस मैक्रोस जो हैं, उन्होंने बाइडेन ने कहा कि आपके साथ भी चीज़ें आगे बढ़ी जाएंगी, क्योंकि क्योंकि देखिए अभी आपको बताओ फिलीपींस का जो है साउथ चाइना के सी की वजह से जो है चाइना के साथ इशू चल रहा है, तो इसलिए जो है अमेरिका का काम अब क्या हो रहा है, जिस जिसके साथ चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है उन सबको आपस में दोस्ती, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला जो सीन होता है ना, उस चीज़ को US के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें जो है एक एशिया के अंदर एक एशियन वेब बनाया जा रहा है जिसमें ये सारे लोग आपस में मिलकर अपने मिलिट्री रिसोर्सेज, अपने जो डिटरेंस हैं, ये पीस को इंश्योर करके आपस में अपना काम करें, ठीक है, और इंडो पैसिफिक और फिलीपींस ये सब मिलकर जो है जापान में एक जापान ये सब मिलकर पैसिफिक इंडो पैसिफिक के रिलेशंस को और एडवांस करें, जिसमें इंडिया भी है, ठीक है, ये अपने आप में टेक्नोलॉजी और कॉपरेशन को जो है आगे बढ़ाएं। और इसी चीज़ के लिए इंडिया की तरफ से भी जो है आपके अफेयर मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर सुब्रमण्यम जो है, जयशंकर सुब्रमण्यम, ये अभी सियोल भी गए थे, टोक्यो भी गए थे, सिंगापुर भी गए थे, मनीला, कुआलालंपुर, इन सब में गए हैं बायलेटरल इंगेजमेंट के लिए, मेनली ईस्ट एशिया कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए एक ही रीज़न मोटिव यह है कि
चाइना को काउंटर करना है। स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए ही यूएसए क्या कर रहा है, बाकी साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के जितने भी नेशंस हैं इनको आपस में जो है मिला रहा है, दोस्ती करवा रहा है ताकि काउंटर करा जाए। तो इस चीज़ को ये रियलाइज़ करने लग गया चाइना। तो अब चाइना क्या कर रहा है, वॉशिंगटन के साथ जो है पीस क्लॉज या बातें करना या उनके साथ इंगेजमेंट होना, इन चीज़ों को फ़ोन कॉल्स टेलीकॉल्स पर बढ़ाना, इन जैसी चीज़ों को बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। देखिए यहाँ पे ना इस वाले में नारी शक्ति की बात करी गई है। ठीक है, इसमें मेनली फोकस, पता है क्या, मैं ग्लिम्स दे देती हूँ। इसमें फोकस इसलिए ये किया गया है, जैसे आपको बताया जापान और इंडिया का ना काफ़ी ज़्यादा कल्चर मिलता है, अगर आप उनके लैंग्वेज, उनके जो खाना पीना, उनके जो कस्टम्स हैं, उनके जो शादी, ये सब चीज़ रिचुअल्स हैं ना, ये काफ़ी फैमिलियर है इंडिया से। तो यहाँ पे इसलिए बात हो रही है क्योंकि जापान ने पिछले 10 साल से या कम से कम 7-8 साल से लिख लो कि अपने वर्क फोर्स में जीडीपी में इसने वुमेंस के वर्क पार्टिसिपेशन को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया, बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं। अब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल वुमेंस की शादी हो जाती है तो वो प्रेग्नेंट होती है और बच्चा जो है अब उसकी केयर की ज़रूरत है, तभी जो है माँ जो है वुमेन पूरी प्रॉपर तरीके से वर्क प्लेस पे अपने आप को टारगेट करके या फोकसली काम कर सकती है। तो उस पर इन्वेस्ट किया गया है कि बच्चे की जो केयर है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो पैटर्नल लीव होता है ना, सिर्फ वुमेंस को, फादर को भी देने की बात में इसमें इन्वेस्ट किया गया, जिसकी वजह से इनकी ओवरऑल जीडीपी भी इंप्रूव हुआ है, ऊपर से जो वुमेंस का वर्क पार्टिसिपेशन है वो भी इंप्रूव हुआ है। तो यहाँ पे आर्टिकल में राइटर ये बताना चाह रही है कि जिस तरीके से हमारा जो काफ़ी कस्टम कल्चर जापान से मिलता है, तो हमें ये सब चीज़ें जो है जापान से थोड़ी सीखने की ज़रूरत है। और अभी जो है वर्ल्ड के ओल्डेस्ट पॉपुलेशन में जापान भी कंट्री है जो इस चीज़ से ग्रसित है कि वहाँ पर फर्टिलिटी रेट जो है, नए बच्चों की जो तादाद है वो कम होती जा रही है, ओल्ड एज के लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वजह से वहाँ पर ओल्ड एज जो केयर है वैसी चीज़ें जो है बढ़ती जा रही हैं सर्विसेज। आने वाले टाइम पे 20-30 साल बाद 2050 के बाद इंडिया भी सेम प्रॉब्लम फेस करेगा, जहां मतलब कम से कम लगा लो कि 30-40% लोग जो हैं आपके ओल्ड एज के लोग होंगे आपके कंट्री में। ठीक है, तो इस चीज़ में हमें काम करने की ज़रूरत है, हमें जो है ओल्ड एज सर्विसेज को बढ़ाने की ज़रूरत है अभी से। एक तो ये आर्टिकल है, इस पर देखेंगे अच्छे से। दूसरे, इधर स्पैरो के बारे में आपने सुना होगा, गोरैया जिसको छोटी सी चिड़िया बोलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपनी स्टोरी के साथ ये शुरू कर रहे हैं। इसका आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये जो की वर्ड है गोरैया, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको स्पैरो बोलते हैं। देखिए ये वैसे तो ये दिल्ली का बर्ड था। ठीक है, हर स्टेट का, जैसे यूटी स्टेट बर्ड्स होता है, ऐसे यूटी का बर्ड था, ये दिल्ली यूटी का बर्ड है गोरैया। अब काफ़ी ये जो है एक्सट्रीम लेवल पे आ गया है, तो आप एक बार इसका जो है आईयूसी लेवल कहाँ कहाँ मिलता है, आईयूसीएन और साइट्स में क्या है, अपेंडिक्स में क्या है, इसका ये वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में कितना है, कहाँ कहाँ प्रिजर्व होते हैं, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट के बेसिस पे। बाकी हम चलते हैं यहाँ पे नारी शक्ति को देखते हैं क्या कहते हैं ये। तो देखिए यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं कि अगर देखिए, जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे थे ना, अभी तो उनकी डेथ हो गई है, असेसिनेट कर दिया था उन्हें, गोल्ड शूट आउट कर दिया था, अभी 2022 या 23 की बात है। ठीक है, लास्ट ईयर की बात है आई थिंक, तो अभी तो ये नहीं रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने 2014 से ही इन्होंने ये बात शुरू कर दी थी कि हमें जो है अपनी इकोनॉमीज में, जो कि एशिया के रिचेस्ट इकोनॉमी में से एक आता है जापान का, तो इन्होंने इस पर फोकस करना शुरू कर दिया था कि हमारी जो जापान की इकोनॉमी है वहाँ पर फर्टिलिटी रेट काफ़ी हद तक जो है डिक्लाइन होती जा रही है। ठीक है, हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे डिक्लाइन पॉपुलेशन के साथ साथ हमारी स्टेगनेंट ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ एकदम स्टेबल फॉर्म में है, तो हमें यहाँ वुमेन इकोनॉमिक्स, वुमेनोमिक्स यानी वुमेन्स प्लस इकोनॉमिक्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, जहाँ इसके साथ साथ जहाँ एबोनॉमिक्स भी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो यहाँ पे इंसिस्ट जो है इन्होंने फोकस किया कि वुमेन्स के पार्टिसिपेशन पे। तो इसी चीज़ के लिए इन्होंने क्या किया, कम से कम जहाँ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इनका जो है 64% ही था 2013 में, अब 2023 में पूरे 10 साल के अंदर 75% जो है बढ़ गया है, 75% तक आ गया वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जापान की इकोनॉमी में। ठीक है, और ये जो है इनके खुद के नेशंस के अंडर में नहीं, G7 कंट्रीज में जो है हाईएस्ट अमंग्स है ये। ठीक है, वुमेन पार्टिसिपेशन 75%, इवन आप इंडिया का देखोगे तो 35% भी नहीं है, वुमेन का जो है 32 या 33% के आसपास है, जबकि ग्लोबल वुमेन पार्टिसिपेशन 47% है।
ठीक है, बहुत कम है इंडिया में तो, बहुत ही ज़्यादा कम है। और अगर आप एज कैटेगरी देखोगे जापान में, तो जापान में किस एज कैटेगरी में सबसे ज़्यादा वुमेंस काम करती हैं, वो है 30 से लेकर 34 या 35 से 39 ईयर की एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स है, जो मदर के बाद अपने वर्क फोर्स में भी काम करती है, दैट मीन्स वो हाउस वाइफ भी हैं और वर्किंग भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर ये बता रहे हैं कि 3 मिलियन कम से कम वुमेंस ऐसी हैं जिन्होंने अपने सबसे ज़्यादा 3 मिलियन के आसपास, जिन्होंने जापान के एक वर्क फोर्स में जो शॉर्टेज था लेबर्स का, उसको कहीं ना कहीं फुलफिल किया है। और जापान की जो जीडीपी है वो वर्ल्ड वर्क फोर्स में 4% से 8% तक इम्प्रूव हुई है पिछले 10 साल में। ठीक है, तो और ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है वुमेनोमिक्स में इन्वेस्टमेंट करने के वजह से। और इसके साथ साथ जो है जापान की गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2012 में जहाँ इनके डे केयर की कैपेसिटी में, डे केयर मतलब जैसे अगर बच्चा है अगर किसी फीमेल का, तो उनके छोटे हैं या स्कूल्स के आने के बाद भी तो उनकी केयर करनी होती है, क्योंकि मदर अगर वर्क पे जा रही है तो या तो आप आया या फिर एक जो है एक आप जो है लेबर रख सकते हो, ठीक है, जो बच्चे की केयर कर सके, या फिर बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है तो आपको ऑफिस में भी इसके लिए एक कैबिन सा बनाना पड़ेगा जहाँ बच्चों की केयर हो सके, टाइम टू टाइम उनको फीड किया जा सके। ठीक है, इन जैसी चीज़ों के लिए जहाँ पहले 2012 में जापान में 2.2 मिलियन ही इन्वेस्ट किया जाता था, अब 2.8 मिलियन डे केयर जैसी चीजों पे भी इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है पिछले 10 साल के अंदर। ठीक है, और इसके साथ साथ चाइल्ड केयर्स में जो है ये अपने आप में 26 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की अब अनाउंस कर दिया है 2023 से 2026 में। इससे क्या है, देखिए इससे क्या होता है कि कोई भी फैमिली जो है स्पेशली वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा डायरेक्टली, ऊपर से चाइल्ड केयर भी इंप्रूव होगा, और चाइल्ड केयर की वजह से जो डे केयर करके एक इकोनॉमी आ रही है जिसमें, क्योंकि डे केयर करने के लिए आप किसी को रिक्रूट करोगे, ठीक है, वहां पे जो है ध्यान देने के लिए और लोग होंगे, तो इससे भी तो एक इकोनॉमी है जो जनरेट हो रही है ना, तो इन जैसी चीज़ों को जापान ने फोकस करना शुरू किया है। और इसके अलावा जापान ने क्या किया है, पेरेंटल लीव में पहले लिमिट थी जैसे 58 वीक्स वुमेन्स के लिए और 52 वीक्स जो है वो मेन के लिए था, लेकिन 2022 में इन्होंने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई है, स्पेशली मेन के लिए बोला गया कि पेटर्निटी, जैसे अगर किसी पेरेंट्स के बच्चे हो रहे हैं माता और पिता में, तो उसमें क्या है कि इनके वुमेन्स के लिए 58 वीक की छुट्टी थी और 52 मेन के लिए थी। अब इसमें यह बोला गया है कि जो मेन है वो उसको ब्रेक कर सकते हैं, उस लीव को ब्रेक कर सकते हैं, दैट मीन्स वो अब फ्लेक्सिबल हैं, अगर उन्हें थोड़ा और ज़्यादा लीव चाहिए तो वो ले सकते हैं इस जैसी चीज़ों के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है अब इन्होंने ये बताया कि इस जैसे प्रोग्राम से या इस जैसे पेटर्निटी लीव से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, कंपनीज जो है अपने पेरेंटल लीव को काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी कंपनीज ने बढ़ाए हैं, पहले जहाँ 2% ही था 2012 में पेटर्निटी लीव, अब वो 2023 में 17% हो गया। आप एक बार गूगल सर्च करना कि हमारे इंडिया में पेटर्निटी लीव कितना मिलता है, रियलिटी आप देखिएगा एक बार, आपको खुद हंसी आएगी। और इंडिया में तो इवन आज भी ये सीन है कि वुमेन का काम, वुमेन्स के चाहे पीरियड्स हो, मेंस्ट्रुएशन हो या वुमेन्स का प्रेगनेंसी हो, मैंने आज भी देखा है कि आज भी हमारे इंडिया में 80% मेन ऐसे हैं जो वुमेन्स को ये कहते हैं कि इन जैसे चीज़ों के लिए आप किसी वुमेन्स को बुलाओ, ये औरत का मामला है। आपने सुना है लेडीज़ प्रॉब्लम या लेडीज़ का है ये, भाई क्या लेडीज़ का, मेन और फीमेल मिलकर ही तो सब कुछ करेंगे ना इस अर्थ में। तो एक माइंडसेट देखिए कितना लैक है हमारे इंडिया में, बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको। खैर, अपने घर में देख सकते हो आप जितने कि अगर कुछ वुमेन्स को हेल्प चाहिए होगी, क्यों नहीं आप अपनी ताऊ ताई को बुलाओ, ताई को बुलाओ, मामी को बुलाओ, है ना, तो एक परवरिश का भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। खैर, ये चीज़ें जापान में भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में भी हैं, यहाँ इसीलिए जो है राइटर थोड़ा इंसिस्ट कर रही हैं क्योंकि जापान का भी कल्चर कुछ ना कुछ ऐसा ही था। अब आगे राइटर बताएंगे कि माइंडसेट भी था ऐसा ही, लेकिन जापान ने इसमें सबसे बड़ी बात वर्क किया है टाइम के अकॉर्डिंग, कि ये अगर माइंडसेट चेंज नहीं हुआ ना वुमेन्स के रिगार्डिंग, तो हमारी इकोनॉमी डाउन ही होती जाएगी, क्योंकि वुमेन ही हैं जो सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स में बढ़ाती है इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि कि अगर वुमेन्स की फर्टिलिटी रेट नहीं बढ़ेगी तो फिर वो बच्चा पैदा नहीं करेंगी, बच्चा पैदा नहीं करेंगी तो जनसंख्या जो है वो ओल्ड होती जाएंगी देश की, पहली बात। दूसरी चीज़ जो है, अगर आप इनको सपोर्ट नहीं करोगे तो वर्क फोर्स में जो जीडीपी डायरेक्टली ये कंट्रीब्यूट करती हैं वर्क फोर्स में, ये तो इनडायरेक्ट हो गया बच्चा पैदा करके, डायरेक्टली भी तो वर्क फोर्स में है। जब ये दोनों चीज़ें किसी भी कंट्री में अच्छी होगी ना, तो आप देखना उस कंट्री में ना तो जेंडर गैप होगा, ना ही इकोनॉमी में जो लेबर फोर्स का जो शॉर्टेज है आज इंडिया में, आप सोचिए लेबर फोर्स
वर्कफोर्स का कितना ज़्यादा शॉर्टेज है। 70% 72% मेन काम करते हैं, सिर्फ 32% ही हैं जो वुमेन घर के बाहर जाके काम करती हैं। और आज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है, एग्जैक्टली है, स्किल की प्रॉब्लम है और चीज़ें हैं, लेकिन लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है। और सोचिए ये जो गैप है, ये जेंडर गैप है, ये कब भरेगा? ये तभी भरेगा जब गवर्नमेंट इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगी, वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी देंगी। और ठीक, तो 2016 में भी जो है जापान ने क्या किया, एक और चीज़ मैंडेटरी कर दी कि हर कंपनी जो है, इन्होंने कहा, इसको एक सर्टिफिकेट निकाला, इरुबोशी सर्टिफिकेट। इरुबोशी सर्टिफिकेट में क्या था कि कोई भी कंपनी जो है अपने वर्कफोर्स में जितने भी पार्टिसिपेशंस हैं वुमेन्स के लिए, कि भाई आपकी ये कंपनी है, आपकी कंपनी में मेल कितने काम करते हैं, उससे ज़्यादा आपकी फ़ीमेल कितने काम करती है, वुमेन कितनी काम करती हैं, इसका डेटा आपको बाहर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एक काइंड ऑफ ये मैंडेटरी हो गई, तो इसी को जो है इरुबोशी सर्टिफिकेशन बोलती हैं। और इससे धीरे धीरे बहुत सारे कंपनीज बाहर निकालना, क्योंकि देखिए ऐसे एक तो क्या होता है कि इससे क्या होता है कि किसी भी ना कंपनी का एनवायरनमेंट पता चलता है। देखिए फीमेल की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वर्कफोर्स में, कोई बदतमीजी ना करे, कोई हरास ना कर दे, सेफ्टी बहुत ज़्यादा वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है किसी भी देश में, नॉट ओनली इंडिया, इट्स ओनली ओवरऑल ग्लोब में। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि भैया वर्क पार्टिसिपेशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन जैसे सर्टिफिकेट से चीज़ों के माइंडसेट बदलते हैं। अब आप सोच के, जब से गवर्नमेंट ने इरुबोशी सर्टिफिकेट को फोकस किया है, जहां पहले 2019 में 1815 कंपनी ऐसी थी जो इन जैसी चीज़ों पर फोकस करती थी, इसको जब मैंडेटरी कर दिया, जब मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने, तो 2022 तक आते आते नियर अराउंड 1905 कंपनीज ने इन सर्टिफिकेट्स को रखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहां राइटर ये चीज़ बताना चाह रही है कि इंडिया और जापान का जो वर्क कल्चर है, बहुत सारे कल्चर, ठीक है, बहुत सारे कस्टम्स ट्रेडिशंस है, वो काफ़ी सिमिलियर हैं। ठीक है, और G20 स्पेशली अगर आप सोशल नॉर्म्स की बात करोगे, और G20 में इंडिया और जापान जो है काफ़ी ज़्यादा, पूरे G20 में से अगर जेंडर गैप सबसे ज़्यादा वाइड है ना, तो वाइडेस्ट में से जापान भी है और इंडिया भी है, जहाँ पे मेल का रेशो फीमेल के साथ इक्वल नहीं है वर्क फोर्स में सही या नेशन में सही। ठीक है, जैसे अगर आप इंडिया की बात करोगे, तो इंडिया के अंदर वुमेन में 8.4 टाइम्स ऐसी वुमेन है जो अनपेड काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप घरेलू में ले लिए, आप जितने भी अपनी मदर हैं, अपनी सिस्टर्स हैं जो घर में काम करती हैं, उन्हें कौन पैसा देता है, उन्हें कौन छुट्टी देता है? कोई नहीं। पूरे ऑफिस की छुट्टी होगी, पूरे सब जगह की छुट्टी होगी, लेकिन वुमेन्स की नहीं होती, ना उनको पेड होता है, ना उनकी लीव होती है। ठीक है, अनपेड है 8.4 टाइम्स। तो दूसरी चीज़ जो है, और ये इंडिया के डायरेक्टली 15-17% GDP को भी इम्पैक्ट करती है नेशनली। ठीक है, और जापान में बात करोगे तो 5.5 टाइम्स है ये, और 1/5 ऑफ द GDP में ये इम्पैक्ट करता है ये। ठीक है, वैल्यू। तो अब राइटर यही बता रहे हैं कि हमें इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है, जिस तरीके से जापान ने वुमेन्स के लेबर वर्क फोर्स पर फोकस किया, जिसकी वजह से उसकी जो GDP है वो काफ़ी ज़्यादा पुश हुई है आगे की तरफ। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा इंडिया का टारगेट है आने वाले 2047 तक हमें डेवलप्ड नेशंस बनाना है, और हमें 2030 तक आते आते हमारी 3-5 trillion इकोनॉमी हमें बनानी है। तो भैया आपके 70% तो मेल आ गए वर्कफोर्स में। अब आप सोचिए, मेल से नहीं, जब तक फीमेल, ये बात तो सच है कि मेल का पार्टिसिपेशन 72% है, फीमेल का पार्टिसिपेशन अभी सिर्फ 32% है, इसको आप बढ़ा लो ज़्यादा से ज़्यादा, आप 90 कर लो। लेकिन ब्रो, जब तक ये नहीं बढ़ेगा ना, आपका देश नहीं 5 trillion भी नहीं क्रॉस कर पाएगा। और जहाँ चाइना आपकी कम से कम 18 trillion के आसपास है, और आपकी अमेरिका जो है कम से कम 26 trillion के आसपास है, ये लोग 30 trillion भी क्रॉस कर देंगे, इंडिया 5 trillion नहीं क्रॉस कर पाएगा। राइट, तो हमें इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसमें राइटर ने कुछ सजेशंस दिए हैं, जैसे पहला फर्स्ट बोला है, हमें वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, सर्विसेज पे, स्पेशली चाइल्ड केयर पे। ठीक, दूसरा हमारा जो है लोगों का माइंडसेट। देखिए लोगों का माइंडसेट सोशल नॉर्म्स के रिगार्डिंग, आज भी अगर आप, मैं रियलिटी बताऊं, जैसे आप कभी राजस्थान आप टूर करना, ठीक है, आप अगर आप राजस्थान, आप में से कोई है राजस्थान से, आपको पता होगा कि वहाँ वुमेन्स को ना, जैसे कुछ कास्ट भी हैं ऐसे, क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ तो मुझे इतना आइडिया है, कुछ कास्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, जैसे मैं पर्टिकुलरली इस कास्ट का नाम लेना नहीं चाहूँगी, वहाँ पता है लड़कियों को पढ़ाते हैं। मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं उस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले, जिन्होंने हायर एजुकेशन, जिन्होंने मास्टर्स,
पीएचडी तक करिए गाइस, पीएचडी तक, ठीक है। लेकिन जब मैं उनसे पूछती हूँ कि व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान फॉर योर जॉब करियर, तो वो ये बोलती हैं कि नहीं, हमारे जो परिवार हैं इनमें पढ़ाते हैं लड़की को लेकिन शादी नहीं करवाते हैं, क्योंकि शादी मतलब सॉरी शादी नहीं कराते, क्या शादी करा देते हैं, जॉब नहीं करवाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पढ़ाने के बाद सीधा शादी हो जाती है, वेल सेटल्ड एक रूम देखकर, ठीक है, अच्छे से लड़का घर परिवार सब देखकर। लेकिन जॉब की जब बात आ जाती है ना शादी के बाद, तो ये नहीं होता, क्योंकि हमारे एक माइंडसेट है कि लड़कियां बाहर काम नहीं करती हैं, आपको पढ़ना है पढ़ो, आपकी शादी एक अच्छे वेल सेटल्ड फैमिली में होगी, लेकिन आपको जॉब जो है ये काइंड ऑफ स्टेटस प्रॉब्लम है कि हमारे घर की औरतें जाके काम करेंगी, अब वो कमाएंगी, समझ रहे हो। इस तरह का माइंडसेट बहुत प्रिवेंट है, बहुत ज़्यादा। इवन मैं तो राजस्थान का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये अपनी आँखों से एक्सपीरियंस किया है, हमारे अपने नोन में, मेरे क्लोज फ्रेंड्स में मैंने ये चीज़ माइंडसेट देखा है। बाकी और भी स्टेट्स में हो सकते हैं, अगर होगा तो आप डेफिनेटली बताइएगा कि किस तरह के थॉट्स हैं, क्योंकि इससे पता चलता है। जैसे राजस्थान में मैंने बताया आपको, तो आप बताइए यूपी बिहार है ऐसे कहाँ आपके लोग कैसे सोचते हैं, क्योंकि जब तक इस पर आप डिस्कस नहीं करोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों का ग्राउंड रियलिटी में चीज़ें सुधारना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो यही सेम ये राइटर बता रहे हैं कि जापान में जो है वहाँ लोगों का लीगल एंटाइटलमेंट हुआ, जेंडर न्यूट्रल पैरेंटल की बात हुई, ठीक है। इन्होंने कहा ये सफिशिएंट नहीं है, जब तक हम जो जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक नहीं करेंगे ना, तब तक ये जो काम है ये इम्प्रूव नहीं होगा। अब मैं यहाँ एक एग्जांपल केस स्टडी देती हूँ आपको, तमिलनाडु की बात करती हूँ। देखिए ये राजस्थान और तमिलनाडु का इसलिए क्योंकि मेरा इन दोनों स्टेट से लिंक है। तो अगर आप तमिलनाडु में जाओगे ना, तो आपको मैं लिटरली बता रही हूँ, वहाँ ना या तो आप एजुकेशन, ऐसा नहीं है कि वहाँ, एक तो लिटरेसी चलो ठीक है 90% प्लस है वहाँ पे लिटरेसी है, लेकिन लिटरेसी से काम नहीं होता ना, एजुकेशन अलग है लिटरेसी अलग है। लेकिन एक तारीफ के काबिल है वहाँ, वहाँ की जो वुमेंस होती हैं, चाहे वो फिफ्थ हो, चाहे टेंथ पास हो, या ट्वेल्थ पास हो, या इवन फेल भी हो, बहुत सारी वुमेंस नहीं पढ़ी थी, नहीं स्कूल जाती, लेकिन उनमें एक एंथुजियाज़म ये होता है कि उन्हें वुमेन एम्पावरमेंट करना है। कैसे? घर में बैठ के टोकरियाँ बनाना, या घर में बैठ के स्टिचिंग करना, या घर में बैठ के कोई बुटीक खोलना, या बगल की कोई इंडस्ट्री है जैसे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, वहाँ काफ़ी मिल जाएगी आपको, या परफ्यूम की इंडस्ट्री मिल जाएगी, या फिर आपकी जो जैसे फूल वगैरह बनाते हैं, वहाँ आपने देखा होगा गजरा वगैरह काफ़ी प्रोमिनेंटली यूज़ होता है ना, तो उसकी इंडस्ट्री में, या एग्रीकल्चर में। तो वुमेंस आपको वहाँ 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 पर वुमेंस का एक माइंडसेट है साउथ इंडिया में, स्पेशली तमिलनाडु का मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। वहाँ की वुमेंस का एक माइंडसेट क्या है ना, कि आपको दिन में कम से कम 100 रुपये मिनिमम बता रही हूँ कि मेरे पास 100 रुपये होना चाहिए। आज पूरे दिन उठ के मैंने कितना कमाया, मेरे पास कोई भी, चाहे मैं छोटा सा फूल की दुकान लगाऊं, या मैं चाय की दुकान लगाऊं, या मैं पकोड़े बेचूं, वहाँ लिटरली वुमेंस में एक है। लेकिन वहीं आप इन स्टेट्स में देखोगे ना, आप नॉर्दर्न इंडिया में, वहाँ वुमेंस को घर से बाहर क्या घूंघट काट के, घूंघट आपको रखना है फॉर द सेक ऑफ कि ये कल्चर है। देखिए कल्चर अपनी जगह है, इकोनॉमी अपनी जगह है, ठीक है। इकोनॉमी से कल्चर बढ़ सकता है, कल्चर से इकोनॉमी कभी नहीं बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो वुमेंस को आगे ना देना, और जैसे मैंने आपको एक पर्टिकुलर कास्ट के बारे में बताया जिसमें वुमेंस को जॉब के लिए मेल ईगो आ जाती है, पैट्रियार्की सोसाइटी हो जाती है कि अब औरत काम करके हमें कमाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और हाँ, एक डिफरेंस बहुत बड़ा ये है कि सदर्न इंडियंस में एक तो देखिए पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल है, एक अलग फैक्टर्स भी काम करता है, सही बात है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है एक बात, तो न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ऑपोजिशन है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात जॉइंट फैमिली भी, जिसमें चाचा ताऊ दादा दादी एक ही फैमिली में रहते हैं, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं वुमेंस को जो है सपोर्ट नहीं मिल पाता काम का, है ना। लेकिन हमें इस पर काम करना होगा, राइट। तो ऐसे ही जो है, अब थर्ड राइटर ये बता रहे हैं कि जो हमारा चाइल्ड केयर है, इस पर सिर्फ चाइल्ड केयर नहीं, इसके अलावा हमें जो एल्डर यानी ओल्ड पीपल के लोग जो हैं, डोमेस्टिक वर्क और लॉन्ग टर्म में जो हाई डिपेंड एडल्ट्स हैं, जो आने वाले टाइम पे डिपेंडेंसी में शिफ्ट होने वाले, फॉर एग्जांपल जैसे आज आपकी एज होगी 22 से आप मान लीजिए 28 तक की एज कैटेगरी के हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, ये सारी इसी कैटेगरी में है। आने वाले 20 साल बाद हमारी एज 40-50 के आसपास होगी, ठीक है। उसके बाद हमारी भी तो डिपेंडेंसी हो जाएगी ना किसी न किसी, हमारे बच्चों पे, हमारे हस्बैंड्स पे, या हमारे हस्बैंड और हम भी किसी पे डिपेंड हो जाएंगे, आपकी वाइफ, ठीक। तो उसके लिए तो यहाँ पे जो जापान ने क्या शुरू कर दिया, ओल्ड एज केयर शुरू कर दिया, और प्राइवेट सेक्टर्स ने जो इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली लिविंग एंड केयर सर्विस है, उन पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो राइटर यहाँ यही बता रहे हैं 2050 तक आते आते इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी ओल्ड एज में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये एक अच्छा फील्ड है कि ओल्ड एज सर्विस जैसी चीज़ों को बढ़ाने की, ठीक है, इस पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, हमें जापान से सीखने की
ज़रूरत है यहाँ पे इन जैसी चीज़ों के लिए, ठीक है। और अगर आप बात करोगे जापान के बारे में, तो इन्होंने यहाँ डेप्थ एनालाइज करके एक चीज़ बताई है कि G20 के अंडर में ना और भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा इसमें जो इसका कल्चर है वो सेम मिलता है। तो यहाँ पे इंडिया ने भी एक चीज़ काम करी है, कर्मन्या काउंसिल करके एक चीज़ का बनाया है, फेडरेशन की तहत है ये। किसके अंडर में काम करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत। इसमें इन्होंने 5 पिलर्स पर फोकस किया है, ठीक है। कौन कौन से 5 पिलर्स हैं? जैसे इनमें इन्होंने मेनली फोकस किया है जेंडर न्यूट्रल एंड पैटर्निटी लीव पॉलिसीज़ पे, सब्सिडीज अवेलिंग पे, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है बोथ प्राइवेट और सर्विस के द्वारा, किसमें? इंफ्रा और सर्विसेज में। केयर वर्क बढ़ानी है, क्वालिटी अश्योरेंस फॉर केयर सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ाने की बात शुरू हुई है। और देखिए अभी पिछले 5 डिकेड्स अगर आप बात करोगे कंटिन्यूसली हमारे जो वुमेंस वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो डिक्लाइन ही होती जा रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप 2017-18 में जहां हमारा 23% था, ठीक है, वो चीज़ जो है अब धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है 37 में, तो 37% तक आ गया है 22-23 तक। तो इस चीज़ को और हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो नारी शक्ति को बढ़ाना है ताकि हम विकसित भारत जैसी जो टारगेट है हम उसको अचीव कर सके 2047 तक, ठीक। तो आज का आर्टिकल है, आप बताइएगा कमेंट सेक्शंस में आपको आपके आसपास के, देखिए इसमें ना आप अगर आप मेल हैं फीमेल है तो आप इसको गलत मत लीजिएगा, क्योंकि डिस्कशन से आपको अपनी स्टेट्स की रियलिटी पता चलेगी। जब आप बताओगे, आप खुद सोचोगे अपने सराउंडिंग्स में, आप इवन अपने लाइफ अपनी फैमिली में भी उस चीज़ को इन्वेस्ट करोगे, डिस्कस करोगे कि ये चीज़ें हमारे सोसाइटी में होती हैं। तो आप प्लीज़ आई होप आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में लिखिएगा कि वुमेंस के लिए क्या आपके एक बैरियर, आपकी नज़र में ऐसा क्या एक बैरियर है जो वुमेंस को कहीं ना कहीं रोकती है आपके स्टेट से, ठीक है। तो